आज मैं आपको कुछ जेई के अच्छे आए हुए क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा और फिर समय बचेगा तो फिर दो तीन और एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा। बट मैं आज जेई के ही अच्छे आए हुए क्वेश्चंस ही ले रहा हूँ, ठीक है, जो थर्मोडायनेमिक्स के हैं और या केटीजी दोनों को मिला के ही ले रहे हैं। सर एक चीज पूछना था अभी तो बोलिए। सर, बोल रहा हूँ कि क्लास 11 से जेई में आया हुआ, मतलब हर साल फ्रिक्वेंटली आता है, कौन 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 चैप्टर सर ज्यादा इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा? मैं जेई एडवांस की बात कर रहे हैं, जेई जानता हूँ मेंस की बात कि कर रहे हैं? ये स्पेसिफिकली जेई कहना वो थोड़ा मुश्किल है, फिर भी आप जेई एडवांस की बात कर रहे हैं, जेई मेंस की एडवांस बात? एडवांस की बात कर रहे हैं सर। एडवांस की बात कर रहे हैं तो थर्मोडायनेमिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर रोटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायनेमिक्स, फिर एरर एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीन चैप्टर मैं बोलूंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है सर। ठीक और सर वेब भी तो इम्पोर्टेंट है। है, बट कभी कभी उसके नहीं भी आते हैं, क्वेश्चन कम भी आते हैं, ऐसा भी है। वेरी इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं है, ओके ओके आते हैं, सर। आते हैं, उसके भी आते हैं, बट आपने सिंस इंपॉर्टेंट पूछा तो इसलिए मैंने जिसका हाँ वेट ठीक होता है ठीक मैं उसकी बात यस करूँ। ओके, क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं, ठीक है? मैं क्वेश्चन रीड आउट करता हूँ आपको, स्क्रीन में तो वैसे भी दिख रहा होगा, हाँ सर। है ना? एज शोन स्कीमेटिकली इन द फिगर, टू वेसल्स कंटेन वाटर सॉल्यूशंस एट टेम्परेचर टी, दोनों का टेम्परेचर कॉमन दे रखा उन्होंने, ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 ऑफ डिफरेंट कंसेंट्रेशंस N1 एंड N2, N1 इज ग्रेटर देन N2, मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, कंसेंट्रेशन दे रखा है, ये ध्यान रखेंगे कि ठीक है, N1 एंड N2 आर नॉट द नंबर ऑफ मोल्स, ये कंसेंट्रेशंस है, ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। एंड उसने ये भी दे रखा है कि जो नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस है वो बहुत ही छोटा है किसी भी एक साइड के कंसेंट्रेशन से, तो N1 माइनस N2 को उसने बहुत वन छोटा कह रखा है N1 से। नाउ दे आर सेइंग व्हेन दे आर कनेक्टेड बाय अ ट्यूब ऑफ स्मॉल लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया S, KMnO4 स्टार्ट्स टू डिफ्यूज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वेसल थ्रू द ट्यूब, कंसिडर द कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स टू बिहेव एज डाइल्यूट आइडियल गैसेस। ओके, तो ये देखो यहाँ पे उसने एक अजम्पशन दे दिया है, आपको आइडियल डाइल्यूट आई मीन आइडियल गैसेस की तरह ही उनको मान के चलना है, ठीक है, एंड डिफरेंस ऑफ देयर इन देयर पार्शियल प्रेशर इन द टू वेसल्स कॉज डिफ्यूजन, वैसे जैसे गैसेस में होते हैं कि दोनों तरफ का जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है तो हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ फ्लो करता है, वो कह रहे हैं। द स्पीड वी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज लिमिटेड बाय द विस्कस फोर्स माइनस बीटा वी ऑन ईच मॉलिक्यूल। ओके, विस्कस फोर्स भी आपको कंसिडर करना है मॉलिक्यूल्स में जब डिफ्यूजन होगा तो, एंड ये ईच मॉलिक्यूल पे, एक एक मॉलिक्यूल पे आपको बीटा वी का विस्कस फोर्स कंसिडर करना है, वेयर बीटा इज अ कॉन्स्टेंट। नेग्लेक्टिंग ऑल टर्म्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेल्टा एन का स्क्वायर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट, ठीक है, द फोर्स कॉजिंग द मॉलिक्यूल्स टू मूव अक्रॉस द ट्यूब, फोर्स कॉजिंग द मॉलिक्यूल्स टू मूव अक्रॉस द ट्यूब कैसे निकालेंगे आप? प्रेशर डिफरेंस से, है ना, प्रेशर डिफरेंस से एरिया को अगर मल्टीप्लाई कर दें, मतलब ट्यूब के लेफ्ट एंड में जो प्रेशर है और ट्यूब के राइट एंड में जो प्रेशर है उन दोनों प्रेशर का डिफरेंस ले लें एंड प्रेशर डिफरेंस को फिर एरिया से मल्टीप्लाई कर दें, यही करेंगे, राइट? हाँ सर। और ये प्रेशर कैलकुलेट करते वक्त आप लिक्विड को नहीं, लिक्विड का चीजें नहीं यूज करेंगे, मतलब रोजीएच का कंडीशन नहीं यूज करेंगे, उसने क्या कह रखा है, इसको आइडियल डाइल्यूट गैसेस की तरह ट्रीट करना है ना, तो प्रेशर को आप यूज करोगे तो पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज करेंगे, आई करेंगे, ठीक है, तो पीवी इक्वल टू एन आर टी इसको यूज करें, इसी को आप चाहें तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू सॉरी नंबर ऑफ मोल्स इंटू के टी ऐसे भी लिख सकते हैं ना, पीवी इक्वल टू एन के टी भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में, राइट, है ना, लिख सकते हाँ हैं। क्यों लिख रहे हैं इस तरह से? क्योंकि देखो सारे आंसर्स में बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट के टर्म्स में दे रखा है उन्होंने, इसलिए मैं पहले एक्सप्रेस कर ले रहा हूँ उनको। एंड यहाँ से अगर आप एक और चीज देखोगे तो पी की वैल्यू को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड इनटू केटी लिख सकते हैं। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ये देखो दोनों दोनों साइड के कंटेनर के लिए मुझे दे रखा है, तो अगर लेफ्ट चेंबर के लिए पी वन निकालें तो उसको हम लिख सकते हैं N1 इनटू केटी, एंड राइट चेंबर के लिए अगर प्रेशर पी टू निकालें तो ये हो जाएगा N2 इनटू केटी, एंड देयरफॉर अगर मैं बोलूं कि कौन सा फोर्स उसको मोशन को कॉज कर रहा है तो फोर्स को जो मोशन को कॉज कर रहा है वो क्या है, प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं। हाँ सो फोर्स कॉजिंग मोशन दैट विल बी एफ एंड दैट विल बी पी वन माइनस पी टू एंड इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया देखो उसने एस दे रखा था, आपको चेक करो वहां पे, ये देखो क्रॉस सेक्शन एरिया एस दे रखा है यहाँ पे,
सो इसको लिख सकते हैं प्रेशर P1 माइनस P2 लिखे तो ये हो जाएगा N1 माइनस N2 एंड दैट मल्टीप्लाइड विथ KT एंड इनटू S आ जाएगा एंड N1 माइनस N2 डेल्टा N है ये उसने ऑलरेडी दे रखा सो दिस बिकम्स डेल्टा N इनटू K इनटू T इनटू S फर्स्ट ऑप्शन अगर देखोगे तो एग्जैक्टली यही है तो फर्स्ट ऑप्शन मैच कर गया हमारा ठीक है सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं फोर्स बैलेंस इम्प्लाइज फोर्स बैलेंस मतलब कि जैसे ये जो एक्सटर्नल मतलब जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो फोर्स आ रहा है जो लिक्विड को पुश कर रहा है लिक्विड मॉलिक्यूल्स को पुश कर रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ इसमें लिक्विड जब वो लेफ्ट से राइट की तरफ पुश होगा तो उसकी वेलोसिटी अगर वी वो अटेन कर लेता है तो उसमें क्या होगा विस्कस फोर्सेस भी आएंगे और अगर विस्कस फोर्सेस आएंगे तो उस केस में क्या होगा उसको रेजिस्टिव फोर्स मिलेगा और अगर ये रेजिस्टिव फोर्स अगर प्रेशर डिफरेंस वाले फोर्स से मैच कर जाता है तो हम बोलेंगे ना फोर्सेस बैलेंस हो गए बोलेंगे नहीं बोलेंगे राइट सर और एक बार बताइए प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो फोर्स आ रही है वो लिक्विड को डिफ्यूज करा रहा है लिक्विड डिफ्यूज करेगा तो ऑब्वियसली वहां पे एक वेलोसिटी से वो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा ट्यूब के अंदर तो लिक्विड जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जब ट्यूब के अंदर मूव कर रहे हैं तो उसके उसने ऑलरेडी कह रखा है कि वहां पे आप एक डिफ्यूजन का मतलब डिफ्यूजन की वजह से जब वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे तो उसमें एक विस्कस फोर्स भी कंसिडर करना है तो विस्कस फोर्स की वैल्यू अगर सारे लिक्विड मॉलिक्यूल्स पे ले ली जाए तो वो विस्कस फोर्स बेसिकली लेफ्ट की तरफ लगेगा और प्रेशर डिफरेंस वाला फोर्स राइट की तरफ लग रहा है तो ये दोनों फोर्सेस एक एक टाइम पे बैलेंस हो जाएंगे जब वो वेलोसिटी बढ़ेगा है ना समझ आ रही है प्रेशर विस्कस फोर्स को अपोज करेगा हाँ हाँ तो यही फोर्स बैलेंसिंग वही वो कह रहे हैं करने के लिए तो हम एक बार फोर्स बैलेंसिंग का इक्वेशन लिख लेते हैं बट फोर्स बैलेंसिंग का इक्वेशन लिखने के लिए आपको बेसिकली विस्कस फोर्स निकालना पड़ेगा पहले अब मैं विस्कस फोर्स कैलकुलेट कर रहा हूँ ठीक है फोर्स ऑफ विस्कस ठीक है ये कैलकुलेट करें अब ये कैसे निकालेंगे देखो उसने इन्फॉर्मेशन हमें क्या दिया था उसने हमें इन्फॉर्मेशन एक तो ये दिया था कि बीटा वी एक हर एक मॉलिक्यूल पे आपको यू नो फोर्स कंसिडर करना है अब इस ट्यूब के अंदर कितना मॉलिक्यूल्स है वो आप निकाल लो अगर तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू विस्कस फोर्स ऑन ईच मॉलिक्यूल यही तो आपका टोटल विस्कस फोर्स हो जाएगा होगा नहीं होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ट्यूब वही मूव कर रहे हैं इन ट्यूब मल्टीप्लाइड विथ बीटा वी समझ आ रही है आपको क्या लिखा मैंने समझ आ रही है अब देखो इस ट्यूब में जो कंसेंट्रेशन होगा मॉलिक्यूल्स का वो आप अगर देखोगे तो एन मतलब लेफ्ट चेंबर का जो कंसेंट्रेशन है और राइट चेंबर का जो कंसेंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट सेम है या नहीं ऑलमोस्ट सेम है या नहीं है डेटा देखो आप लेफ्ट चेंबर और राइट चेंबर की जो कंसेंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट सेम है ना आस सो अगर दोनों की कंसेंट्रेशन सेम है तो ट्यूब के अंदर का भी कंसेंट्रेशन हम सेम मान सकते हैं ना राइट समझ आ रही है आपको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों के पास मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या तो आप लोग रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे सो ट्यूब के अंदर का भी कंसेंट्रेशन आप सेम मानेंगे जो लेफ्ट साइड या राइट साइड का है क्योंकि N2 जो है वो ऑलमोस्ट N1 के इक्वल ही है तो मैं N1 कंसेंट्रेशन से लेके ही कर सकते हैं यहाँ पे तो कंसेंट्रेशन यहाँ पे N1 है N1 इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड उस ट्यूब का वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें ट्यूब का लेंथ L दिया हुआ है एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया S है तो LS कर लिया एंड इनटू बीटा भी कर लिया दैट्स इट सो बैलेंसिंग जब हम कर रहे हैं बैलेंसिंग के लिए बैलेंसिंग इंप्लाइज N1 इनटू LS इनटू बीटा वी दैट हैज टू बी इक्वल टू डेल्टा N इनटू K इनटू T इनटू S ये S और ये S कैंसिल आउट हो जाएगा एंड अकॉर्डिंगली देखो आ गया N1 into beta V into L equal to delta N KT ये भी मैच कर गया दिख रही है आपको दिख रही है yes, sir. ठीक है अब तीसरे पार्ट पे आते हैं तीसरे पार्ट में उसने क्या रखा है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गोइंग अक्रॉस द ट्यूब पर सेकंड कितने मॉलिक्यूल्स ट्यूब के थ्रू पास कर रहे हैं ये निकालना है तो ये निकालने के लिए हम डायरेक्टली कंटिन्यूटी इक्वेशन को यूज कर सकते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन मतलब जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड के लिए आप निकालते थे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड अगर आपको मिल जाए और आपको कंसेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है तो कंसेंट्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करके आप टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गोइंग पर सेकंड निकाल सकते हैं आराम से कर सकते हैं ना हम लोग ये कर सकते हैं ठीक है तो थर्ड पार्ट के लिए कर रहे हैं देखो सो वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो लिख लेते हैं वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो
ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एस इंटू फ्लो वेलोसिटी। समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है? सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड तो एक ही है ना, समझ आ रही है आपको? यस सर। एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है, यह है वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो। अब इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ये आपको फाइंड आउट करनी है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके अंदर है। सो अगर मैं कंसेंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर दूं, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पासिंग पर सेकेंड, पासिंग पर सेकेंड ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप ये लिख सकते हो दिस विल बी इक्वल टू एस इंटू वी, एंड इसके साथ आप कंसेंट्रेशन एन वन को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? समझ आ रही है सर? हाँ हाँ सर, ये कंसेंट्रेशन का मतलब और एक बार समझा देंगे तो थोड़ी समझ में दिख। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये तो दिया हुआ ही है। हाँ सर, वो तो फिर आपने लिखा ना कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए ट्यूब इनटू बीटा वी, तो वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम होगा, तो वहां पे भी तो पर यूनिट वॉल्यूम आएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम से फिर वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया तो ls तो किया है, n1 into ls किया है। ओ अच्छा अच्छा ठीक है सर, ठीक है। क्या बोल रहे हो? ठीक है। जस्ट एक मिनट रुके, एक मिनट रुके। अब देखते हैं इधर। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पासिंग पर सेकंड जो है वो s into v, एंड इसके साथ फिर n1 को मल्टीप्लाई करके हमें मिल जाएगा। अब उसने जो आंसर दे रखा है, देखो वहां पे उसने v को नहीं दिया है आंसर में, देखो उसमें v नहीं है, ऑप्शंस में v नहीं है, बट ये v निकालने के लिए ऑलरेडी उसने सेकंड ऑप्शन हमें दे रखा था। सेकंड ऑप्शन से उसने ऑलरेडी हमें v और बाकी सब चीजों को पैरामीटर को रिलेट कर लिया था, तो हमने फोर्स बैलेंसिंग से जो v निकाला था उसको हम यहां पे यूज कर लेते हैं, ठीक है? वी विल यूज दैट हियर भैया। तो यहाँ पे s को रहने देते हैं और v की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। सो v की वैल्यू आएगी डेल्टा n इंटू kt डिवाइडेड बाय बीटा इंटू l, डेल्टा n इंटू kt डिवाइडेड बाय बीटा इंटू l एंड इंटू n1, एंड यहाँ से फिर n1 भी मल्टीप्लाई होगा, n1 n1 कैंसिल आउट हो जाएगी। तो अगर आप देखोगे तो आ रही है डेल्टा n kt इंटू s एंड डिवाइडेड बाय बीटा इंटू एल आ रही है। अब एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं वो मैच कर रहा है कि नहीं। डेल्टा एन बाई एल के टी बाई बीटा इंटू एस, ये भी मैच कर रहा है, दिख रही है आपको? हाँ सर। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन देखिए क्या है। लास्ट ऑप्शन दे रखा है रेट ऑफ मॉलिक्यूल्स गेटिंग ट्रांसफर्ड थ्रू द ट्यूब डज नॉट चेंज विद टाइम। अब ये सोचो ये आंसर सही होगा या गलत होगा, बताओ ये आंसर सही होगा या गलत होगा, बताओ। लास्ट ऑलरेडी डिराइव कर रखा है मैंने, आप देखो लास्ट में ऑलरेडी डिराइव कर रखा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पासिंग पर सेकंड, ये डिपेंडेंट है डिफरेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द टू चेंबर पे, है या नहीं है? है या नहीं है? मेरी आवाज बहुत देर से पहुंच रही है आप लोगों के पास? आप लोगों के पास आवाज मेरी देर से पहुंच रही है? नहीं सर। तो फिर आप रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे बेटा? मैं ऑलरेडी बोल रहा हूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पासिंग पर सेकेंड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द टू कंटेनर आई है। लास्ट लाइन देखो वहां पे क्या है, डेल्टा एन के प्रोपोर्शनल है, एंड जैसे जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ अगर मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज करता जाएगा तो फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस जो है वो घटता जाएगा,
अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस घटता जा रहा है तो ऑब्वियसली रेट ऑफ डिफ्यूजन भी घटता जाएगा. सो ये आपका इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. आप अगर थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करेंगे तो मेरे लिए अच्छा होगा, कन्वीनियंट लगेगा और मुझे थोड़ा सा एंथुसियाज्म भी आएगा. मैंने आपको बोला ऑलरेडी कि आई एम रनिंग हाई ऑन फीवर एंड फिर भी क्लास ले रहा हूं मैं. आप थोड़ी सी एंथुसियाज्म दिखाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा. ओके चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. देखें, अ हॉट एयर बलून कैरिंग सम पैसेंजर्स एंड अ फ्यू सैंडबैग्स ऑफ मास 1 kg ईच so that its total mass is 480 kg. Its effective volume giving the balloon its buoyancy is V. The balloon is floating at an equilibrium height of 100 meter. When n number of sandbags are thrown out, the balloon rises to a new equilibrium height of 150 meter with its volume V remaining unchanged. If the variation of the density of air with height h is given by rho is equal to rho naught into e to the power minus h by h naught, where rho naught equal to 1.25 kg per meter cube and h naught equal to 6000 meter, the value of n is okay. ये तो आपको पता है ना कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो डेंसिटी होती है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती है. तो मैंने क्लास में डिराइव भी किया था, आपको याद है? याद है आपको mgh by rt? एग्जैक्ट एक्सप्रेशन जो था वो ऐसा था, रो इक्वल टू रो नॉट इनटू ई टू द पावर माइनस एमजीएच बाय आरटी था. एम वाज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैसेस, वो लिया था हमने. तो वो एग्जैक्ट वेरिएशन था. अब उसी में वो जो एमजीएच बाय आरटी है तो आरटी बाय एमजी को उसने एच नॉट से रिप्लेस कर दिया है और उसकी वैल्यू उसने आपको दे रखी है. ठीक है, अब हमें इसकी इसके अकॉर्डिंग उसने क्या कह रखा है, उसने कह रखा है कि पहले तो एक सर्टेन हाइट पे वो फ्लोट कर रहा है. तो फ्लोट कर रहा है तो उस केस में उसकी जो मास थी कितनी फ्लोटिंग थी, 480 मास फ्लोटिंग थी, 480 kg, एंड दैट शुड बी इक्वल टू अपथ्रस्ट. जी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जी लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ होगा. तो 480 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ जो गैस है, मतलब एयर है, रो वन लिख लेते हैं, एंड दैट मल्टीप्लाइड विथ वी. एंड रो वन कितनी होगी, दैट विल बी रो नॉट इन टू ई टू द पावर माइनस ऑफ 100 मीटर पर फ्लोट कर रहा था. सो 100 डिवाइडेड बाई 6000 हो जाएगा. And this is coming out to be rho naught into e to the power minus of 1 by 60. 1 by 60 is a very small number or very large number? Into V, sir. कौन सा बेटा? हाँ, V, V, sorry. V, V. इस V को इधर रहने देते हैं. ठीक है? हाँ, मैं बोल रहा हूँ 1 by 60 बहुत छोटा नंबर है या बहुत बड़ा नंबर है? छोटा. काफी छोटा है ना? 1 के कंपैरिजन में मैं बात कर रहा हूँ. 1 के कंपैरिजन में तो बहुत छोटा है. तो जब भी अगर e to the power x की वैल्यू अगर आपको लिखनी हो और अगर x 1 से बहुत छोटा है तो इसकी वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली आप 1 प्लस x लिखते हैं. दिस इज फॉर x वेरी लेस कंपेयर टू 1. ठीक है, 1 से अगर बहुत छोटा हो तो इसको हमेशा ऐसे ही लिखते हैं. तो इसको यूज भी करना है अभी हमें. ठीक है, तो इस वैल्यू को हम अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकते हैं, दिस इज रो नॉट इन टू वी इन टू 1 माइनस ऑफ 1 बाई 60, ऐसा लिख सकते हैं ना? राइट ठीक है. उसके बाद उसने कह रखा है कि n नंबर ऑफ सैंड बैग्स को हमने फेंक दिया है. ठीक है, बाहर, और हर एक सैंड बैग का मास 1 kg था. तो फिर टोटल मास अब कितना बचा है, 480 माइनस n, कह सकते हैं ना? एंड दैट विल बी अगेन रो टू इन टू वॉल्यूम वी. वॉल्यूम इज अनचेंज उसने कह रखा है. अब इसको वी रहने देते हैं और रो टू की जगह पे हम लिख लेते हैं रो नॉट इन टू ई टू द पावर माइनस ऑफ, अब ये 150 मीटर पे फ्लोट कर रहा है, तो 150 डिवाइड बाई 6000 लिख लें. और ये फिर से आ रही है v into rho naught into e to the power minus of 1 by 40 आ रही है. Again 1 by 40 is also very small compared to 1. तो इसकी वैल्यू को approximate करके फिर से क्या लिखी जा सकती है, rho naught into v into 1 minus of 1 by 40 लिख सकते हैं. अब इन दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड कर दो. सो therefore 480 डिवाइडेड बाय 480 माइनस ऑफ n, दैट विल बी इक्वल टू rho v naught, तो कट जाएगा एंड यहाँ पे आएगा आपके पास 59 by 60 एंड इधर से आएगा आपके पास 39/40. ये तो 2, ये 3, एग्जैक्ट 2-3 आ जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास बच रही है जो 59 × 2 मतलब 118 एंड 39 × 3 मतलब 117. ठीक है, अब 117 से इधर मल्टीप्लाई कर लें तो 480 × 118 माइनस 117 and that will be equal to 480 × 118. एक n कहाँ चला गया, अरे रे कहाँ चला गया, 4 यहाँ पे तो n आएगा.
118 into another. ठीक है, चेक करो एक बार, कैलकुलेशन देख लो. ठीक है, सो n की वैल्यू हो गई आपके पास 480 डिवाइडेड बाय 118. अगर आप देखोगे तो ये नंबर जस्ट स्लाइटली ग्रेटर देन 4 आ रहा है, क्योंकि 180 होता, 480 डिवाइड बाय 120 होता तो एग्जैक्टली कितना आता, 4 आता ना, है ना. सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली कितना, 4. तो कितने सैंड बैग्स हमने फेंके थे, 4, समझे. ठीक है, यस सर. ठीक है, तो कैलकुलेशंस भी देखो, ये सब कैलकुलेशन वाली चीजें भी आपको थोड़ा सा ना घर पे आदत रखना पड़ेगा. ये सब चीजें आपको घर पे कैलकुलेशंस करोगे तो ही सीखोगे. कैलकुलेटर वैलकुलेटर लेके करते रहोगे तो फिर कभी भी ये सब चीजें सीख नहीं पाओगे. तो कोशिश करो कि अपने हाथ चलाते रहो, यू नो, कैलकुलेटर कभी यूज नहीं करो. अगर कैलकुलेटर यूज करते हो तो बिल्कुल यूज नहीं करना है. सर, हाँ बेटा. सर, अगर कोई न्यूमेरिकल में चार ऑप्शन ही पास पास वैल्यू देके पॉइंट्स के दो तीन नंबर सेम है, फिर एक नंबर, ऐसा नहीं होता है. आप जो बोल रहे हैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कह रहे हैं, ऐसे नहीं होते हैं. बहुत क्लोज वैल्यूज जनरली नहीं मिलते हैं आपको, थोड़े डिफरेंट होते हैं. और बहुत क्लोज मिलेगा तो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तब अप्रोक्सीमेशंस नहीं करेंगे, और क्या करेंगे. ठीक है सर. चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है. देखो, अ थर्मली आइसोलेटेड सिलेंडर क्लोज्ड वेसल of height 8 meters is kept vertically. It is divided into two equal parts by diathermic perfect thermal conductor. Diathermic मतलब जो heat transfer allow करता है, तो इसका मतलब दोनों तरफ का temperature हमेशा same होगा. Frictionless partition of mass 8.3 kg. Okay, data को underline कर लेते हैं. Height है 8 meters totally तो दिया हुआ है, mass 8.3 kg है. Thus the partition is held initially at a distance of 4 meter from the top. Okay, ये 4 meter है पहले. Each of the two parts of the vessel contains 0.1 mole of ideal gas at 300 Kelvin temperature. Okay. The partition is now released and moves without any gas leaking from one part of the vessel to the other. When equilibrium is attained, the distance of the partition from the top will be. Okay. हमें नए equilibrium आने के बाद जो position of piston है वो निकालनी है. तो ये हमारा piston है, मान लेते हैं. Let's say this is the piston and यहाँ का प्रेशर को P1 मान लेते हैं, यहाँ के प्रेशर को P2 मान लेते हैं. उसने ये वाली हाइट हमसे पूछ रखी है, देखो ये वाली हाइट, डिस्टेंस ऑफ पार्टीशन फ्रॉम द टॉप, इसको x मान लेते हैं. ये x ही हमें फाइंड करनी है. अगर ये x माने तो ये हो जाएगी हमारी 8 माइनस x हो जाएगी. P1 और P2 का रिलेशन तो हम तुरंत लिख सकते हैं. P1 की वैल्यू अगर लिखें तो P1 प्लस mg मतलब 8.3 g डिवाइडेड बाई एरिया, ये बेसिकली आपकी P2 से मैच करनी चाहिए. ठीक है ना, फोर्स बैलेंसिंग बस किया है पिस्टन के लिए. ठीक है, ठीक है, ठीक है. अभी अगर देखोगे तो इस सिस्टम में सोचो कि बाहर से ये, मतलब इस कंबाइंड मास सिस्टम की बात करो, कंबाइंड मास सिस्टम की, तो इसमें बाहर से कोई भी चेंजेस है क्या, बाहर से जो सराउंडिंग है उसके साथ कोई एक्सचेंज हो रहा है क्या इसका, हीट का या एनर्जी का? नहीं. तो अगर बाहर से कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है सराउंडिंग के साथ, ना ही तो उसके बाहर से, अगर हीट जो पूरा बोल रहा हूँ सुनो, बाहर से अगर सिस्टम के साथ कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है, दूसरी चीज बाहर का सिस्टम भी इस सिस्टम पे वर्क नहीं कर सकता, तो आपस में ही एनर्जी का कन्वर्जन होगा ना. आपस में कहने का मतलब क्या है कि इंटरनली देखोगे अगर आप, तो पिस्टन जो है वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो ग्रेविटी वर्क कर रहा है ना, राइट है ना, राइट. ये उसको देखोगे तो वो आपके लिए सिस्टम के लिए क्या हो गया, एक एक्सटर्नल एजेंट की तरह बात हो गया. बट वो अगर देखोगे तो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो कंजर्वेटिव फोर्स के साथ हमारी एक अच्छी चीज है कि हम उसके साथ पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट करते हैं. तो जब ये पिस्टन ऊपर था तो उसकी हायर पोटेंशियल एनर्जी थी, जब ये नीचे गिरा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो घट गई ना, घटी नहीं घटी. और ये पोटेंशियल एनर्जी का लॉस जो होगा वो कहां जाएगा, ये बेसिकली सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में चली जाएगी, मतलब जो गैसेस का इंटरनल एनर्जी है उसको बढ़ा देगा, टेम्परेचर पर राइज कर जाएगा वहां पे. समझ आ रही है, समझ आई है. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की लॉस होनी है और इसको ही बेसिकली इंटरनल एनर्जी का गेन कर लेंगे, यू का गेन कर लेंगे. तो अब यहां पे ऐसे लिखें, एम जी
इनटू हाइट जितना नीचे गिरा है दैट इज एक्स माइनस फोर, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, एंड दैट विल बी इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। अब एक चीज और भी आप ध्यान रखना, यू नो ये सब चीजें हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कैलकुलेशंस में, जब भी आपको नेचर ऑफ गैस नहीं देते, जैसे यहाँ पे अगर देखोगे तो नेचर ऑफ गैस नहीं दिया है, तो नेचर ऑफ गैस अगर नहीं देंगे तो उसको हमेशा मोनोटॉमिक मान के ही आपको कैलकुलेशंस करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ये आप ध्यान भी रखिएगा। अब ये आया हुआ क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ ये आया हुआ क्वेश्चन है, नेचर ऑफ गैस नॉट गिवन, ऑलवेज अज्यूम मोनोटॉमिक, ऑलवेज अज्यूम मोनो अटोमिक, ठीक है। तो अब इसको क्या लिखेंगे हम, एन सी वी डेल्टा टी अगर लिखेंगे तो दोनों चेम्बर का तो टेम्परेचर सेम ही रहना है, इनिशियल भी पहले 300 था एंड बाद में भी दोनों का सेम ही होगा क्योंकि डायथर्मल पिस्टन है, तो नंबर ऑफ मोल्स आपका 0.1 एक चेम्बर में था, तो दोनों चेम्बर मिला के अगर लेंगे तो 0.1 प्लस 0.1 वो 0.2 हो जाएगा, तो 0.2 इंटू सी वी विच इज 3R/2 एंड इंटू डेल्टा टी लिख सकते हैं। डेल्टा टी में फाइनल टेम्परेचर को टी मान लेते हैं, तो टी माइनस 300 लिख लेंगे, सही है, चेक करो एक बार सही लिखा मैंने, ठीक है। ओके, मास देखो उसने 8.3 दिया हुआ था, ये मास 8.3 है और गैस कांस्टेंट भी 8.3 है, कट गया आपस में, यहाँ से 2 ये कट जाएगा बट यहाँ पे डेसिमल का एक 10 आ जाएगा और जी तो खुद ही 10 है, तो 10 इंटू 10 100 हो गया, सो 100 इंटू एक्स माइनस 4 ये आ रही आपके पास, अच्छा यहाँ पे 3 कर देते हैं डिवाइड, तो यार ये टी माइनस 300 आ रही है। ओके, सो टी की वैल्यू अगर हम निकालें तो एक्स के टर्म्स में हमने निकाला है, टी इज कमिंग आउट टू बी 300 प्लस 100 एक्स माइनस ऑफ 400 एंड डिवाइडेड बाई 3, ये 3 को इधर लेके चले जाए, 900 में से 400 चला गया तो 500 100 कॉमन आउट कर लेते हैं, सो 5 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3 एंड इन टू 100, ये हमारे काम का इक्वेशन हो गया, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब प्रेशर को हम तो नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में आराम से रिलेट कर सकते हैं, PV=nRT यूज करें, तो P1 की वैल्यू अगर हम लिखें x के टर्म्स में और P2 की वैल्यू अगर लिखें x के टर्म्स में तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कैन वी फाइंड आउट P1 एंड P2 इन टर्म्स ऑफ x, P=nRT/V यूज करेंगे, कर सकते हैं, कुछ तो बोल दो। हाँ सर, तो अभी नाउ अब वही इक्वेशन यूज करें, ठीक है, तो P1 प्लस MG/A वाज इक्वल टू P2, तो P1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है, nRT/V यूज करेंगे तो n इज 0.1 इंटू RT डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है, P1 के लिए हमने x चूज किया था तो x इंटू एरिया चूज करेंगे, सो x इंटू एरिया प्लस MG/area इज इक्वल टू 0.1 इंटू RT एंड डिवाइडेड बाय 8 माइनस x इंटू एरिया, R, M एंड R ये कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि डायमेंशन न्यूमेरिकली सेम ही है, वो यहाँ से एरिया भी कैंसल आउट हो जा रहा है एंड यहाँ से आपके पास डेटा जो आ रही है दिस इज कमिंग आउट टू बी x को 1/10 कर लेते हैं, x को 1/10 सॉरी 0.1 को 1/10 कर लेते हैं, तो ये 1/10 इधर आ जाएगा तो 100 हो जाएगा, g के लिए 100 एंड दैट विल बी 1/8 माइनस x माइनस ऑफ 1/x एंड इंटू t हो जाएगा, सो यहाँ से आ रही है ये x माइनस 8 माइनस x मतलब 2x माइनस 8 एंड डिवाइडेड बाय 8x माइनस x स्क्वायर इंटू t, सो t की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड कर लिया, दिस इज 8x माइनस ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x माइनस ऑफ 8 इंटू 100। देखो सेकेंड इक्वेशन ऑलरेडी टेम्परेचर इन एज अ फंक्शन ऑफ x है एंड थर्ड इक्वेशन भी टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ x है, तो उन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, सो देयरफॉर 5 प्लस x बाय 3 इंटू 100 इज इक्वल टू 8x माइनस x स्क्वायर बाय 2x माइनस 8, 100 को कैंसिल आउट कर दिया मैंने, अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है, x में क्वाड्रेटिक आ रही है उसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो गई 10x माइनस ऑफ 40 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 24x माइनस ऑफ 3x स्क्वायर, सो 5x स्क्वायर
फिर इधर 24 इधर आ गया तो 32 में से 10 22 22 है ना, हाँ 22 माइनस ऑफ 22x एंड माइनस ऑफ 40 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन बस चेक करते रहना। सो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 22 प्लस माइनस ऑफ रूट अंडर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 22 का स्क्वायर मतलब हो गया 484 माइनस 4ac, सो 4 5 इज 20 20 ये वैल्यू आई आपके पास 22 प्लस माइनस ऑफ रूट अंडर ऑफ 1284 एंड डिवाइडेड बाई 10 आ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ सर। अभी 1284 किसका स्क्वायर स्क्वायर मतलब किस किस स्क्वायर के क्लोज है, किस स्क्वायर के क्लोज है? सर 36 36 के क्लोज है, क्योंकि 36 का स्क्वायर कितना होगा? 1296। गुड, तो 36 इंटू 36 करेंगे 1296 आएगा, तो उसके तो काफी क्लोजर है। तो एक चीज तो पक्का है, 36 से थोड़ा सा कम आएगा, मे बी यू नो 35.8 या 35.9 के आसपास आए। तो इसकी वैल्यू को मैं अप्रोक्सीमेट करके 22 प्लस माइनस ऑफ 35.9 ही कर लेते हैं, क्लोज ही आएगा एंड डिवाइड बाई 10 कर लेंगे। तो ये वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 22 प्लस 35.9 एंड 35.9 कर लें तो ये हो जाएगा 58 ऑलमोस्ट आ रहा है, 57.9 एंड डिवाइडेड बाय 10, नेगेटिव रूट को डिस्कार्ड कर दिया तो ये आ रही है 5.79 आ रही है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 5.8 मीटर पे जाके रुक जाएगा। और इसका आंसर इंटीजर होना था, ये इंटीजर टाइप में था, तो फिर अकॉर्डिंगली अगर डेसिमल में है तो फिर उसके अकॉर्डिंग ही आपको छोड़ना पड़ेगा। डेसिमल में होगा तो मतलब एग्जैक्ट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा स्क्वायर रूट इसका, बट अगर इंटीजर टाइप में होगा तो फिर तो आपका काम चल जाएगा। 5.8 आ गया मतलब उसको 6 में मार्क करके फिर आगे निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब अगर देखोगे तो आपकी कैलकुलेशन की जो एबिलिटी है वो भी जल्दी होनी चाहिए, मतलब आप जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर पाओ, ये भी आपका एक कला है। आप घर पे अगर करते हो प्रैक्टिस तभी होगा, बार बार कह रहा हूँ कैलकुलेशन पे कैलकुलेटर वगैरह पे डिपेंडेंट नहीं रहना, अपने हाथ से खुद से कैलकुलेट कर। हाँ बोलिए बेटा। सोचिए कि ऐसा एक वैल्यू है कि 3347 बाई 59, तो क्या उसको मैं 350 बाई 590 कर सकते हैं? फिर से बोलो क्या बोल रहे हो सर। मतलब एक है 346 बाई 589, तो उसको क्या मैं 345 बाई 590 कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। 3435 इसको 3545 करना चाह रहे हैं, ठीक है 345 करिए और भी अच्छा है, 345 डिवाइड बाई 590 बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको ऐसे करना ही चाहिए, अगर आप नहीं करते हैं तो आप बेवकूफ हैं। आपको डेफिनेटली कैलकुलेशंस में ये करना चाहिए, डेफिनेटली। मतलब सर एक उस दोनों नंबर में कन्वर्ट करने के बाद दोनों का एक मतलब एक मल्टीपल ऊपर नीचे आ रहा, तो हाँ हाँ बिल्कुल 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 ये करना चाहिए आपको बेटा। जब भी आप चेंजेस करते हो ना तो हमेशा ये देखना कि आपने कितने में कितने का चेंज किया, कितने में कितने चेंज किया, मतलब क्या है कि जैसे आपने 346 को 345 बनाया है ना, राइट तो आपने कितने का चेंज किया, वन यूनिट का चेंज आपने किस में किया, 346 में किया। तो अगर मैं फ्रैक्शनल एरर सोचू कितने का आएगा, इसकी वजह से फ्रैक्शनल एरर कितने का आएगा, तो 1/345 × 100 राइट। अगर आप देखोगे तो परसेंटेज में 1% से भी कम है ना, और 1% से अगर कम है तो आप हम तो डेफिनेटली उसको एरर में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, राइट है ना, वो एरर नेग्लेक्ट कर देंगे, तो आराम से कर सकते हैं। तो चेंजेस आप हमेशा ऐसे ही सोचा करो कि कितने में कितने का चेंज कर रहे हैं। अगर ये अगर आप देखोगे ये चेंजेस जो है वो बहुत छोटा आप कर रहे हो कंपेयर टू दी एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू, तो फिर आप आराम से ये कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है अगेन, ये भी। अ स्फेरिकल बबल इनसाइड वाटर हैज अ रेडियस आर
ये बबल है और इसकी रेडियस उसने आर दे रखी है, दिस हैज अ रेडियस आर. टेक द प्रेशर इनसाइड द बबल एंड वाटर प्रेशर टू बी पी नॉट. ओके, अंदर का भी प्रेशर पी नॉट एंड बाहर का भी प्रेशर पी नॉट. इसको देख के आपको पता क्या चल रहा है, सरफेस टेंशन नेग्लेक्ट हो गया है नहीं है. पी इनसाइड इज इक्वल टू पी आउटसाइड, इसका मतलब है कि सरफेस टेंशन हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं. द बबल नाउ गेट्स कंप्रेस्ड रेडियली इन एन एडियाबेटिक मैनर. कोई उसको कंप्रेस कर रहा होगा है ना, खुद से तो कंप्रेस नहीं होगा क्योंकि अंदर और बाहर का प्रेशर सेम है ना, है नहीं है? है सर. राइट, अंदर एंड बाहर का अगर प्रेशर सेम है तो क्या ये कंप्रेस होगा कभी? नहीं होगा. नहीं होगा, तो इसीलिए यहाँ पे कोई है जो इसको क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है. ठीक है, कोई है जो इसको कंप्रेस कर रहा है, समबडी इज डेफिनेटली यू नो कंप्रेसिंग द गैस या एयर बबल. सो इट्स रेडियस बिकम्स आर माइनस ए एंड ए इज वेरी लेस कंपेयर टू आर. ओके, मतलब यहाँ पे इसको हमें ऐसे सोचना है कि एक बहुत ही पतला सा एलिमेंटल वॉल्यूम है, इसको यू नो कंप्रेस करना है. ऐसा कुछ सिनेरियो यहाँ पे, ये थिकनेस आपकी ए हो जाएगी और ये थिकनेस आपका बहुत ही छोटा है. ठीक है, यही कंडीशन उसने दे रखा है, फाइनल वैसे ही है. उसके बाद उसने कह रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन द प्रोसेस इज गिवन बाय, एक सर्टेन एक्सप्रेशन दिया है, उसमें आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, अब ये चीज देखें कि जैसे अगर इसको जब हम कंप्रेस कर रहे होंगे तब तो उसका प्रेशर अब पी पी नॉट नहीं रहेगा, क्योंकि अंदर में तो जब वॉल्यूम कम हो रही है तो प्रेशर तो बढ़ेगा ना, होगा ही नहीं होगा. तो अंदर के प्रेशर की अब हम बात करें तो ये प्रेशर पी इंक्रीज करेगा है ना, दिस प्रेशर विल इंक्रीज. राइट, जैसे जैसे कंप्रेस हो रहा होगा अंदर के प्रेशर को आप इंक्रीज करते चले जाएंगे. मैं यहाँ पे पी आई लिख देता हूँ. ठीक है, तो पी आई विल इंक्रीज एज कंप्रेशन स्टार्ट्स. ठीक है, तो एक्सटर्नल एजेंट को जो वर्क करना है वो किसके अगेंस्ट है, वो एक्सेस प्रेशर के अगेंस्ट ही तो वर्क करना है ना, एक्सेस प्रेशर के अगेंस्ट वर्क करना है या फिर नेट प्रेशर के अगेंस्ट वर्क करना है, ये सोचो. क्योंकि अंदर से पी आई है, वो पी आई बेसिकली आप लिख सकते हो पी नॉट प्लस डेल्टा पी आई, लिख सकते हो ना आप, कुछ एक एक्स्ट्रा अमाउंट होगा. हम पी आई को लिख सकते हैं पी आई इज पी नॉट प्लस डेल्टा पी, ऐसा लिख सकते हैं. यहाँ पे डेल्टा पी इज बेसिकली द एक्सेस प्रेशर, जो एक्सेस होगा उसके अंदर, एक्सेस प्रेशर ड्यू टू कॉम्प्रेशन, नॉट ड्यू टू सरफेस टेंशन. समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है? वर्क डन करना पड़ेगा. हाँ, तो ये डेल्टा पी के अगेंस्ट ही हमें वर्क करना है, क्योंकि बाहर से भी पी नॉट तो मिल ही रहा है ना, वो अंदर का पी नॉट और बाहर का पी नॉट तो आपस में ही बैलेंस्ड है ही नहीं है. हमें ये जो एक्सेस प्रेशर मिल रहा है उसके अगेंस्ट ही वर्क करना पड़ेगा. राइट, यस सर, है ना. तो ये एक्सेस प्रेशर आपको पता है, और ये एक्सेस प्रेशर जो होगा, अगर मैं ऐसे सोचूं कि सिंस उसने ऑलरेडी देखो ये एडियाबेटिक कंप्रेशन दे रखा है, तो एडियाबेटिक कंप्रेशन है मतलब पी वी टू द पावर गामा भी कांस्टेंट होना है. तो अगर मैं ऐसे लिखूं कि पी वी टू द पावर गामा, ये टर्म आपकी कांस्टेंट है. ठीक है, अब ये सोच के देखो कि अगर हम प्रेशर की बात करें, वॉल्यूम में अगर चेंजेस छोटे होते हैं, वॉल्यूम में अगर चेंजेस छोटे होंगे, सोचो इफ यू आर सेइंग दिस इज अ कांस्टेंट, लेट अस से दिस इज सी. ठीक है, इसको सी लिख लेते हैं फिलहाल के लिए, जैसे मैं आपको एक अच्छी चीज सिखा रहा हूँ वो देखो. तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि पी की वैल्यू कैन बी रिटन एज सी डिवाइडेड बाय दिस विल बी, इसको ऐसे लिख लेते हैं, अच्छा इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको सी लिखने की जरूरत नहीं, इसको पी नॉट वी नॉट टू द पावर गामा कर लेते हैं. इसको लिख लेते हैं पी नॉट वी नॉट टू द पावर गामा, एंड अब पी की वैल्यू को लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं पी नॉट बाई वी नॉट बाई वी नॉट माइनस ऑफ डेल्टा वी एंड टू द पावर गामा, लिख सकते हैं इसको ऐसा. कैन यू राइट दैट? V की वैल्यू मैंने V नॉट माइनस डेल्टा V लिखी है. ठीक है, हाँ सर, हाँ सर. और इसकी वैल्यू को अब आप लिखोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो P नॉट इनटू 1 माइनस ऑफ डेल्टा V डिवाइडेड बाय V नॉट टू द पावर माइनस गामा, ऐसा लिख सकते हो. ठीक है, आप जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करेंगे तो फिर मैं जल्दी जल्दी प्रोसीड कर पाऊंगा, नहीं तो मुझे लगे आप समझ ही नहीं रहे हो. ठीक है, अब देखो अगर डेल्टा वी एज डेल्टा वी आपका वी नॉट से बहुत छोटा है तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हो. तो पी की वैल्यू को आप क्या लिखोगे, अप्रोक्सीमेटली पी नॉट इनटू 1 प्लस गामा टाइम्स ऑफ डेल्टा वी बाय वी नॉट, लिखोगे ना आप, लिखोगे.
समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है? हाँ सर। तो अभी देखोगे आप तो प्रेशर जो है वो डेल्टा वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन, मतलब लीनियर रिलेशन आ रही है ना, लीनियर रिलेशन है ये नहीं, डेल्टा वी के साथ। हाँ सर। राइट। अब जब आप प्रेशर का वर्क कैलकुलेट करते हो, सोचो ये जो ये वाले प्रेशर का अगर वर्क कैलकुलेट करें, मतलब ये तो अंदर के गैस का प्रेशर है, ठीक है, तो अगर ये गैस के प्रेशर का अगर वर्क कैलकुलेट करोगे आप क्या लिखोगे आप बताओ मुझे? इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डीवी, यही लिखोगे ना? राइट लिखोगे? हाँ सर। बट ये इंटीग्रेशन करने की जरूरत है क्या? अगर डेल्टा वी खुद बहुत छोटा है तो क्या इंटीग्रेशन करने की जरूरत है, या मैं डायरेक्टली इसको पी नो पी इंटू डेल्टा वी लिख लो? ये वर्क डन बाय गैस की अगर बात करें, वर्क डन बाय गैस कितना होगा? पी इंटू डेल्टा वी नहीं लिख सकते इसको? क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जो यू नो डेल्टा वी जो है वो बहुत छोटा है, लिख सकते हैं ऐसा? बट अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे प्रेशर भी तो वेरिएबल था, प्रेशर वेरिएबल था ना? हाँ सर। प्रेशर वेरिएबल था तो ये प्रेशर कौन सा लोगे? तब उस केस में आपको जो प्रेशर लेना पड़ेगा ये प्रेशर ना आप एवरेज प्रेशर से लेके कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ पे जब हम प्रेशर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये प्रेशर जो है ये आपका एवरेज प्रेशर आ जाएगा, दिस विल बी एवरेज प्रेशर। ये कैसे कर रहे हैं मैं आपको एक छोटा सा कोरिलेशन समझाता हूँ। जैसे वर्क डन बाय मतलब वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स, सोचो स्प्रिंग फोर्स के लिए अगर वर्क करते हैं, वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स की बात कर रहे हैं, तो वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स की बात करें, मैं आपको समझा रहा हूँ एक लॉजिक, वो सिंपल सा लॉजिक है, देखो इससे समझ आ जाएगा आपको। अगेंस्ट स्प्रिंग निकालते हैं तो क्या करते हैं, हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा करते हैं ना, जीरो से लेके एक्स तक अगर इलांगेट किया है, कॉम्प्रेस कर दिया, ऐसा करते हैं, राइट? इसको अगर लिखे तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, के एक्स बाय टू इंटू एक्स, ऐसा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। हाँ सर। और अगर इसको देखोगे तो ये जीरो प्लस के एक्स डिवाइडेड बाय टू इंटू एक्स है। अब ये क्या है, देखो अगर स्प्रिंग को हम स्ट्रेच कर रहे थे तो जीरो से लेके एक्स तक उसका फोर्स जो था वो वेरिएबल था ना, था ही नहीं था वेरिएबल? वेरिएबल था सर, मतलब हाँ, तो मतलब के एक्स फाइनल फोर्स है और जीरो इनिशियल फोर्स है, तो इन दोनों के बीच का जो एवरेज फोर्स है वो तो के एक्स बाई टू हो गया, और के एक्स बाई टू एंड फिर एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। बट ये एवरेज लेने के लिए आप इनिशियल प्लस फाइनल बाई टू तभी कर सकते हैं जब किसी चीज का लीनियर वेरिएशन हो, जैसे स्प्रिंग फोर्स जो है वो एक्स पे लीनियरली वेरी कर रही है तो आप ये काम कर सकते हैं, बट अगर ये लीनियरली वेरी नहीं करती है तो फिर नहीं कर सकते थे। समझ आ रही है? ठीक है। सेम चीज देखो यहां पे भी हो रहा है, नहीं आप ये चेक करो, प्रेशर जो है वो वॉल्यूम का एक लीनियर फंक्शन आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है? हाँ सर। तो इस केस में आप क्या करोगे, इनिशियल प्रेशर लोगे, मतलब यहाँ पे जो प्रेशर लोगे आप क्या लोगे, इनिशियल प्रेशर लोगे एंड प्लस फाइनल प्रेशर लोगे, डिवाइडेड बाई टू करोगे एंड देन इंटू डेल्टा वी कर लोगे। समझ आया आपको क्या बोला मैंने? इनिशियल प्रेशर मतलब डेल्टा वी जीरो था, उस समय तो हमने कोई वॉल्यूम का चेंज नहीं किया था, किया था क्या? नहीं सर। तो उसके आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्या लिखोगे यहाँ पे, पी नॉट, इनिशियल प्रेशर पी नॉट है, फाइनल प्रेशर कितना है, पी नॉट प्लस गामा टाइम्स ऑफ डेल्टा वी बाई वी नॉट डिवाइडेड बाई टू एंड दैट मल्टीप्लाइड विद डेल्टा वी। अगर आप देखोगे तो ये आ रही है पी नॉट इंटू डेल्टा वी एंड प्लस गामा टाइम्स ऑफ डेल्टा वी बाई वी नॉट डिवाइडेड बाई, अरे एक छूट गया यहाँ पे, अच्छा पी नॉट भी तो आएगा यहाँ पे, पी नॉट डायमेंशनली मैच नहीं कर रहा है, डेल्टा वी बाई, अच्छा यहाँ पे एक पी लिख लेते हैं और डेल्टा वी का स्क्वायर हो जाएगा। देखो चेक करो अभी, ठीक है ना, चेक करो एक बार, देखो एक बार चेक करो, ठीक हो रहा है? हाँ सर। हाँ सर। अब ये देखो ये P नॉट इंटू डेल्टा V, ये क्या है, अगेंस्ट लिक्विड प्रेशर है ना, है ही नहीं है? और ये जो वर्क आया ये किसके अगेंस्ट आया, वो एक्सटर्नल एजेंट जो उसको कॉम्प्रेस कर रहा था, जो एक्सेस प्रेशर की हम बात कर रहे थे, याद है आपको? अगर आप देखोगे तो एक्सेस प्रेशर कितने का है, ये देखो, ये मैं आपको एक ट्रिक भी अभी सिखाऊंगा, ये डायरेक्टली कर सकते थे इतना मेहनत नहीं किए बिना, मैं आपको दिखाता हूं, ये अगेंस्ट एक्सटर्नल एजेंट है, ठीक है, मतलब यही हमारा आंसर होगा। देखो मैं आपको ये एक लाइन में दिखाता हूं, ये वर्क डन अगेंस्ट एक्सेस प्रेशर, वर्क डन अगेंस्ट, ओह क्या लिख रहे हैं,
अगेंस्ट एक्सेस प्रेशर. अब एक्सेस प्रेशर तो आपका पहले जीरो था एंड बाद में मान लेते हैं डेल्टा पी का हो गया, तो आप इसको निकालने के लिए क्या करोगे, जीरो प्लस डेल्टा पी डिवाइडेड बाई टू एंड इंटू डेल्टा पी कर लोगे, बट डायरेक्टली यही. एंड डेल्टा पी आप कहां से निकालोगे, ये डायरेक्टली आप पी विरुद्ध पाक गामा से यूज करो, पी विरुद्ध पाक गामा कॉन्स्टेंट होती है. तो अगर मैं डायरेक्टली इसमें एरर फॉर्मूला लगा लूं तो डेल्टा पी बाई पी प्लस गामा इंटू डेल्टा वी बाई वी इक्वल टू जीरो, तो डेल्टा पी कितनी आ गई देखो, माइनस ऑफ गामा इंटू पी इंटू डेल्टा वी बाई वी. नेगेटिव का इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, बट अगर वॉल्यूम खुद घट रहा है तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा ही ना, होगा नहीं होगा. तो यहाँ पे हमारा ये जो डेल्टा पी है वो तो पॉजिटिव है क्योंकि डेल्टा वी नेगेटिव है, तो हमें क्या लिखना चाहिए था यहाँ पे, गामा पी इंटू डेल्टा वी का जो मैग्नीट्यूड आएगा एंड डिवाइडेड बाई टू, एंड यहाँ पे भी आपका डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड ही लेना है. तो यहाँ पे कितनी आ गई देखो, गामा पी इंटू डेल्टा वी इसका स्क्वायर हो जाएगा एंड डिवाइड बाई टू. अच्छा एक वी छूट गया, वी छूट गया, टू वी. देखो एक बार वही रिजल्ट आई थी, देखो देखो आई थी या नहीं, दिख रही है, दिख रही है आपको? हाँ सर. ठीक है, अब बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, कुछ बचा नहीं है. गामा का वैल्यू उसने कितना दे रखा था, 41/30. सो 41/30 प्रेशर पी नॉट एंड डेल्टा वी है 4πr² इंटू ए, एरिया इंटू थिकनेस कर लिया, एंड डिवाइडेड बाई टू टाइम्स ऑफ वॉल्यूम विच इज 4/3πr³. सो 4π कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वेयर का आर स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 तो इधर 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 × 2 = 20 हो जाएगा. तो यहाँ पे जो हमारे पास बच रही है ये आ रही है 41 divided by 20 into P naught into here ये P naught into, अच्छा डेल्टा वी का स्क्वायर था ना, सॉरी 4πr² into A, डायमेंशन ही मैच नहीं कर रहा था. सो P naught into 4π और एक और R यहाँ पे कटेगा, ये ऊपर एक R बचेगा, सो 4πr इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 2 भी रहेगा, तो ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. सो यार ये है 2.05 इंटू पी नॉट इंटू 2πr इंटू ए स्क्वायर आ गया. और एक वैल्यू चेक करें, 4πp₀r² a² into x. अच्छा 4πr 4 था यहाँ पे, हमने 2 लिखा, एक बार चेक कैलकुलेशन चेक कर लें, 4 है यहाँ पे, यहाँ 2. इसकी आंसर टू है ही डिनोमिनेटर में, ये 4πr² है ही, ठीक ही. सर अगर हम लोग 4 मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 2 कर दे, किसके साथ, 2.05 को 2 से डिवाइड कर दे, तो 2.05 को 2 से डिवाइड कर दे, हाँ, और सो अंदर पे 4 हो जाएगा. नहीं नहीं नहीं, मैं इसलिए रुका हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों रुका हुआ, क्योंकि मेरे को इसका आंसर याद है, ये 2.05 आना था, 2.05 इसका आंसर था, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसका आंसर फिर 2.05 नहीं आएगा ना, इसलिए मैं कैलकुलेशन एक बार चेक कर रहा हूँ कि मैंने कैलकुलेशन, अच्छा अच्छा ठीक है सर, मैं वो चेक कर रहा हूँ, आप भी देखो एक बार अगर कहीं आपको कैलकुलेशन मिस्टेक दिख रही है. हाँ सर ठीक है, 0 प्लस डेल्टा पी बाई 2 ये तो ठीक है, डेल्टा वी ले लिया ठीक है, गामा पी डेल्टा वी बाई वी ये ठीक है, 2 तो रहेगा एंड देन डेल्टा वी, सो गामा पी डेल्टा वी का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 वी, सो गामा इज 41/30, पी नॉट डेल्टा वी इज 4πr² इंटू आर ए, ठीक है 4πr² डिवाइड बाई 2 एंड 4/3πr³,
ठीक ही तो है, क्या आप से कर रहे हैं, 3 × 10 = 30 और नहीं नहीं ठीक है देखो मैंने 2 × 10 को ऑलरेडी 20 लिख दिया, देखो दिख रहा है, फिर से मैंने 2 एक बार और लिख दिया, दिख रही है आपको? हाँ सर, देखो मैंने 2 × 10 को ऑलरेडी 20 लिखा है और फिर से 2 को एक बार और यूज कर लिया, यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे 4 आएगा, दैट्स इट, अब हो गया बस, ठीक है, सो देयरफॉर हमारा जो x हो गया वो कितना हो गया, 2.05 हो गया, ये आंसर है, ठीक है, ठीक है, हाँ सर, यस सर, तो इसमें आपने एक अच्छी चीज सीखी ना, एवरेज एवरेज प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट सीखा, एवरेज प्रेशर लेके फिर यू नो डायरेक्टली वॉल्यूम का चेंज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट ये तब जब लीनियर वेरिएशन आती है, तब अगर लीनियर वेरिएशन नहीं होगा तब ये काम नहीं करते, ठीक है? हाँ सर, थर्मोडायनेमिक्स में हर साल ही बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, हर साल ही अच्छे क्वेश्चन ही आते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, अ स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इनसाइड अ हेवी हॉलो एंड स्ट्रेट ट्यूब अलोंग द ट्यूब एक्सिस अंडरगोज इलास्टिक कोलिजन एट टू एंड्स, द ट्यूब हैज नो फ्रिक्शन एंड इट इज क्लोज्ड एट वन एंड बाय अ फ्लैट सर्फेस व्हाइल द अदर एंड इज फिटेड विद अ हेवी मूवेबल फ्लैट पिस्टन एज शोन इन द फिगर, व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द पिस्टन फ्रॉम द क्लोज्ड एंड इज l इक्वल टू l नॉट द पार्टिकल स्पीड is v equal to v naught, okay? ठीक है, the piston is moved inward at a very slow speed, okay? very low speed है, ये piston का movement का speed दे रखा है, मतलब इसको इधर move करा रहे हैं with a speed capital V कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि capital V का value बहुत छोटा है, such that, ठीक है, बाकी तो, where DL is the infinitesimal displacement of the piston, which of the following is or are correct? The rate at which particles strike the piston is, first option तो गलत ही है, तो देख के पता चल रहा है, rate at which it strikes मतलब frequency of collision पूछ रहा है, rate at which particle strikes मतलब frequency of collision, अगर आप एक चीज देखोगे तो एक मॉलिक्यूल अगर आता है स्पीड v से तो जाएगा वो v प्लस यू नो v प्लस 2v से जाएगा ना, क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है, तो जैसे ये है पिस्टन हमारा, ये पिस्टन है और ये मॉलिक्यूल है, ये आ रहा स्पीड v से स्मॉल v एंड पिस्टन मूव कर रहा है कैपिटल v से, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितने की है, v प्लस v, v प्लस v, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी कितनी होनी चाहिए, v प्लस v, और वो तभी होगा ना, वो तभी होगा ना जब इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v प्लस 2v हो जाएगा, होगा ना, होगा, हाँ सर, ठीक है, बट 2v तो मतलब जो कैपिटल v है वो तो स्मॉल v के रिस्पेक्ट में बहुत ही छोटा है, तो इसीलिए v प्लस 2v को मैं ऑलमोस्ट v लिख सकता हूँ जब मैं एक कोलिजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारा कोलिजन होगा तो उसके बीच में नहीं बात करें, बट एक कोलिजन के लिए तो आराम से लिख सकते हैं, तो ये सोच के देखो कि उसको जब ये जो लेंथ ऑफ चैनल है जिसमें उसको मूव करना है वो एल डिस्टेंस उसने दिखा रखा है, तो उसका जो उस पिस्टन के साथ टकराने के बीच में जो टाइम इंटरवल है, जैसे ये पिस्टन है, ये पिस्टन से इधर दूर जाएगा फिर वापस आएगा, तो उसको डिस्टेंस टोटल कितना कवर करना है, 12 कवर करना है ना, राइट, है ना, हाँ सर, तो 12 डिस्टेंस कवर करना है, कितनी स्पीड से कवर करना है, v स्पीड से, तो टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन अगर बात करें, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन डेल्टा टी सी लिख लेते हैं, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, सक्सेसिव कोलिजन विथ पिस्टन विल बी इक्वल टू डिस्टेंस एल है एंड डिवाइडेड बाय सॉरी 2L है क्योंकि एल जाना है एल आना एंड देन डिवाइड बाय वी कर लेंगे, ये टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन हो गई है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन कितनी हो गई, कितनी फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, v / 12 हो जाएगी, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन तो आपका इनकरेक्ट हो गया, ठीक है,
उसके बाद उसने क्या रखा है, आफ्टर ईच कोलिजन विद द पिस्टन द पार्टिकल्स स्पीड इंक्रीजेस बाय 2v. ये करेक्ट है ना? आप देखो डायग्राम देखो, आपको ऑलरेडी मैंने वहां पे दिखा रखा, आया है स्पीड वी से एंड गया है स्पीड वी प्लस 2v से, क्योंकि लॉ ऑफ रेसिट्यूशन तो फॉलो करना है, इलास्टिक कोलिजन है ना? तो इसका मतलब ये करेक्ट हो गया, ये करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा वी आपको दिख ही रहा है, ये आपका 2V है, ठीक है, ये आपका मैच कर गया। उसका थर्ड ऑप्शन में कह रहे हैं द पिस्टन मूव्स इनवर्ड्स बाय डिस्टेंस dl, द पार्टिकल्स स्पीड इंक्रीजेस बाय 2v इनटू dl बाय l, ओके ओके। अच्छा अच्छा देखो, हमें ये ऑलरेडी पता चल चुका है कि एक कोलिजन में उस पार्टिकल की स्पीड 2v से इंक्रीज कर गई है, तो अगर हमें ये पता चल जाए कि कितनी बार वो कोलिजन हुआ है, dl डिस्प्लेसमेंट में कितनी बार कोलिजन हुआ है, अगर हमें ये पता चल जाए, तो क्या हम ये नहीं पता कर सकते कि कितनी स्पीड इंक्रीज कर गई है? कर सकते हैं? ठीक है, तो देखो dl डिस्टेंस अगर वो मूव कर गया, dl डिस्टेंस मूव कर गया, तो उतने में अच्छा ऐसा कर लेते हैं, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, वो 12V है, ठीक है, एंड जो dl डिस्टेंस में मूव करने में उसको जो टाइम लगेगा पिस्टन को, टाइम टेकन बाय पिस्टन टू मूव अ डिस्टेंस dl, अ डिस्टेंस dl इज, इसको लिख रहे हैं, दिस इज dt and dt will be dl divided by capital V. सही लिख रहे हैं? लिख रहे हैं सही? सही, ये first line tell था, एक बार बोले। Time taken by piston to move a distance dl. सर वो वाला नहीं, ऊपर वाला। Time between two successive collision with piston. ठीक है। आप लिखने पे नहीं, थोड़ा सा यू नो सुनने पे कंसेंट्रेट करिए, मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, फिर आराम से लिख लेना बाद में। टाइम टेकन बाय पिस्टन टू मूव अ डिस्टेंस dl इज dt इक्वल टू dl बाय v। अब ये dt टाइम में वो मॉलिक्यूल कितनी बार उससे आके टकराया, क्या हम ये फाइंड कर सकते हैं? आप देखो टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन हमने ऑलरेडी निकाला था ना, डेल्टा tc निकाला था, निकाला था सर। और ये डेल्टा tc दो सक्सेसिव कोलिजन का टाइम है, और टोटल टाइम जितना देर तक ये पिस्टन आगे मूव किया आपको ये पता है, तो फिर क्या आपको ये नहीं पता चल गया कि कितने कोलिजन हुए? क्या आपको पता चल गया? नहीं पता चला? यूनिटरी मेथड, क्या हुआ, नहीं पता चल रहा है? अरे आप हाँ या ना कुछ बोलोगे तब तो मैं कुछ रिस्पॉन्ड करूंगा ना बाबा, मैं खाली बोल रहा हूँ और तुम लोग कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे, कुछ भी सवाल पूछता हूँ म्यूट रहते, वैसे कैसे पढ़ाई करते हैं आप लोग? दो सक्सेसिव कोलिजन का टाइम इंटरवल आपको पता है, कितने देर तक वो पिस्टन आगे चला आपको ये भी पता है, अब मैं बोल रहा हूँ कितना कोलिजन हुआ ये आपको पता करना है, क्या आप ये नहीं पता कर पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। तो आप लोगों को क्या ये समझ नहीं आ रहा, क्या यूनिटरी मेथड नहीं समझ आ रहा है क्या यार? ना तो बोल दो कम से कम, नहीं समझ आ रहा है, इतनी बार पूछ रहा हूं, कम से कम ना तो बोल सकते हैं आप। अजीब लोग यार, कुछ बोलते ही नहीं हो। तो फिर मैं कैसे पढ़ाऊं आपको? आप जब रिस्पॉन्ड नहीं करोगे मैं कैसे पढ़ाऊं आपको?
मैं क्या सिर्फ अपनी तरफ से बोलता चला जाऊं, काम खत्म करूं, ऐसे बोलता चला जाऊं और फिर फॉलोअप, तुम नहीं फॉलोअप कर रहे हो या फॉलोअप कर रहे हो ये नहीं सोचना है। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? यार कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो आप लोग? सर एक बार और बताएंगे। दो सक्सेसिव कोलिजन का टाइम इंटरवल 0.05 सेकंड्स है और एक सेकंड तक पिस्टन आगे मूव किया है, कितना कोलिजन हुआ ये पूछ रहे तुमसे। हाँ सर, मतलब एक एक कोलिजन में कितना टाइम है वो फिर पहले निकालूंगा। और एक कोलिजन का टाइम तो मैंने आपको बता दिया 0.05 सेकंड्स है सर, 20 कोलिजन। हाँ तो फिर ये चीज आपको जब न्यूमेरिकल बता रहा हूँ तो आपको समझ आ रहा है, और जब स्टेटमेंट बोल रहा हूँ तो नहीं समझ आ रहा है। एक सेकंड बोल दिया, 0.05 सेकंड बोल दिया तो डिविजन करना आ रहा है, और यही चीज स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ तो आपको नहीं समझ आ रहा है। ये कौन सा लॉजिक चलता है बताओ, ये कौन सा लॉजिक है बताओ मुझे, ये कौन सा लॉजिक है? दो सक्सेसिव कोलिजन का टाइम इंटरवल बोल रहा हूँ डेल्टा टी है, टाइम जितने देर तक पिस्टन आगे मूव किया वो बता रहा हूँ डी टी है, तो मैं पूछ रहा हूँ कितने कोलिजन हुए, अब ये नहीं बता पा रहे हो आप, अब क्या करेंगे आप? सो नंबर ऑफ कोलिजन जो होगी वो हो जाएगी डी टी एंड डिवाइडेड बाई, ये हो जाना आपके पास डेल्टा टी सी ले लेंगे, एंड देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा डी एल डिवाइडेड बाई वी एंड दैट मल्टीप्लाइड विद डेल्टा टी सी। डेल्टा टी सी क्या था? 2L बाई वी था, दिस विल बी 2L एंड डिवाइडेड बाई वी लिख लेंगे, ये वी वी कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दैट विल बी डी एल डिवाइडेड बाई 2L आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, एंड हर एक कोलिजन में जो उसकी स्पीड बढ़ी थी वो 2V से बढ़ी थी, सो टोटल स्पीड जो उसकी इंक्रीज करेगी वो उसने पूछा था कि कितनी स्पीड उसकी इंक्रीज करेगी। So therefore, as increase in speed per collision is 2V, the total speed increase is, इसको अगर dv लिख ले तो दिस dv विल बी dl by 2l एंड दैट मल्टीप्लाइड विद 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल v, दिस 2 गेट्स कैंसिल आउट एंड यार ये dl by l into v आ रही है। ऑप्शन देखें एक बार क्या था, ऑप्शन था 2v into dl by l, जबकि आ रहा है dl by l into v आ रहा है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, दिस इज इनकरेक्ट। समझ आइए, समझ आइए? हाँ सर, हाँ सर, ठीक है, थैंक गॉड आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। The particle's kinetic energy increases by a factor of 4 when the piston has moved inward to a distance of distance from L0 to L0 by 2. Okay. अब आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकालना है। काइनेटिक एनर्जी का चेंज तभी आप निकाल पाएंगे जब यू नो आप उसकी स्पीड को निकाल पाएंगे। अब स्पीड तो आराम से निकाल सकते हैं हम यहाँ पे, ये हमने dv निकाल लिया है, कहाँ गया? As speed increases, हमने dv तो कैलकुलेट कर लिया है, just a sec, यहाँ पे एक मिनट, ये कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने क्या, एक मिनट, ये कुछ, यहाँ देखो frequency of collision में जो v है वो small v है, और मैंने substitute यहाँ पे you know capital V कर दिया है, यहाँ पे चेक करो, ये वाला देखो, ये देखो यहाँ पे ये कटेगा नहीं, यहाँ पे स्मॉल वी आएगा एंड यहाँ पे स्मॉल वी बाई कैपिटल वी रहेगा। Just a sec. एक मिनट, रीअरेंज करने दीजिए। This is dl by 2l into small v by capital V and then multiplied with 2 times of capital V. ठीक है। So this is v, v gets cancelled out. This 2 gets cancelled out and this is dl by l
इनटू वी। अब ठीक है, अभी अगर आप चेक करोगे तो अभी हमें देखो लेंथ और वी के बीच में एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया है। ये जो डीवी है, इस डीवी को आप वी की तरफ लेके चले जाओ और डीएल के साथ एल को इधर रहने दो। इस इक्वेशन को बस इंटीग्रेट करके आप आंसर निकालना है। एक चीज बस यहाँ पे टेक्निकली आपको एक माइनस यू नो चीज ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अगर पिस्टन लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है तो एल जो है वो घट रहा है या बढ़ रहा है? एल जो है वो बढ़ रहा है घट रहा है? बताओ। घट रहा है। ठीक है, तो एल तो घट रहा है, तो डीएल जो क्वांटिटी होगा वो तो नेगेटिव होगा ना? हाँ सर। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे उन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इससे पहले तक ये मैटर नहीं कर रहा था, बट अब यहाँ पे मैटर करेगा क्योंकि अभी यहाँ पे इंटीग्रेट करने वाले हैं आप। क्योंकि इंटीग्रेशन के लिमिट्स फिर अकॉर्डिंगली आप सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हुए ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे आपको एक माइनस लगाना पड़ेगा। ये नेगेटिव हम क्यों लगा रहे हैं? ये नेगेटिव हमने इसलिए लगाया है सिंस डीएल इटसेल्फ इज नेगेटिव एज एल इज डिक्रीजिंग। ठीक है, सो देयरफॉर अब बस इंटीग्रेट करें तो dv डिवाइडेड बाय v, इंटीग्रेशन होनी है v नॉट से लेके v तक, एंड दैट विल बी माइनस ऑफ dl बाय l, एंड इंटीग्रेशन होगी l नॉट से लेके l नॉट बाय 2 तक। तो यहां से हो जाएगी ln ऑफ v बाय v नॉट, दिस विल बी लिमिट्स इंटरचेंज कर सकते हैं आप यहां पे, तो ln ऑफ l नॉट बाय 2, सो दिस बिकम्स ln 2, एंड देयरफॉर v की जो वैल्यू हो जाएगी वो 2v नॉट हो जाएगी। तो वेलोसिटी बेसिकली डबल हो गई है, एंड वेलोसिटी अगर डबल हो गई इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर लिखोगे तो ये 4 टाइम्स ऑफ हाफ एम इनटू v नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 4, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ठीक है? हाँ सर। KTG के ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस आपके यू नो दिखेंगे यहाँ पे, जो कोई नॉर्मल तरीके से आपको नहीं मतलब बनते हैं। नॉर्मल तरीके मतलब कि जो आप टेक्स्ट बुक्स में जो पढ़ते हैं बस उतने पे काम नहीं होता है, आपको कुछ थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ता है। एक और KTG का अच्छा क्वेश्चन है, वो भी दिखाऊंगा आपको, यहीं पे ही ले रहा हूँ अभी, तुरंत ही ले रहे हैं। ये भी काफी अच्छा सा क्वेश्चन है। अ फ्लैट प्लेट इज प्लेट, अ फ्लैट प्लेट इज मूविंग नॉर्मल टू इट्स प्लेन through a gas under the action of a constant force F. Okay, the gas is kept at a very low pressure. ठीक है, the speed of the plate V is much less than the average speed U of the gas molecules. ये डेटा एक काम का है, ये बहुत कम है average speed of gas molecules है। ठीक है, which of the following options is or are correct? आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है? एक है प्रेशर डिफरेंस बिटवीन लीडिंग एंड ट्रेलिंग फेसेस, ठीक है, रेजिस्टिव फोर्स एक्सपीरियंस बाय द प्लेट, ये एक निकालना है, प्लेट का मोशन एनालाइज करना है कि वो कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, एंड एक और चीज एनालाइज करनी है लेटर टाइम द एक्सटर्नल फोर्स बैलेंसेस द रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, ओके, डायग्राम ड्रॉ करते हैं एक बार सिचुएशन को दिखाने के लिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक प्लेट है, दिस इज अ प्लेट, एंड इस प्लेट पे हमने राइट की तरफ एक अप्लाई कर रखा है, कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रखा है, दिस इज अप्लाइड कांस्टेंट फोर्स। इसके राइट साइड में भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं, इसके लेफ्ट साइड में भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं। स्पीड ऑफ प्लेट उसने कह रखी है कि आपको वी माननी है, और एवरेज स्पीड जो गैस मॉलिक्यूल्स की उसको यू मानेंगे। जब हम स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल यू कहते हैं तो आपको याद है मोशन इक्विप्रोबेबल होता है हर एक डायरेक्शन में, याद है? हाँ, तो हम हर एक डायरेक्शन में जो यूज करते हैं, हर एक डायरेक्शन में जो स्पीड यूज करते हैं वो यू बाय रूट थ्री यूज करते हैं ना, याद है आपको? इक्विप्रोबेबल हर एक, राइट? हाँ सर। ठीक है, तो हर एक डायरेक्शन में इक्विप्रोबेबल है, तो 1/√3 टाइम्स हो जाएगा हर एक डायरेक्शन में। तो अगर ऐसे सोचे तो इधर के जो मॉलिक्यूल है वो मतलब जो प्लेट को अप्रोच कर रहे हैं वो कितनी स्पीड से अप्रोच कर रहे हैं, मतलब प्लेट की तरफ कितनी स्पीड से मूव कर रहे हैं, u/√3 से। वैसे ही इधर वाले मॉलिक्यूल की भी बात करूं तो कितनी स्पीड से अप्रोच कर रहे हैं वो, u/√3 से। ठीक है, बट अगर आप देखोगे तो प्लेट के रेस्पेक्ट में सोचो, आप अगर प्लेट में अपने फ्रेम को फिक्स करो तो प्लेट के रेस्पेक्ट में अगर फ्रेम को फिक्स करोगे तो रिवर्ट एंड ऐड करोगे वेलोसिटी को, ये भी इसमें रिवर्ट होकर इधर ऐड हो गया, ये भी इसमें रिवर्ट होकर ऐड हो गया। तो अगर आप देखोगे तो राइट साइड के मॉलिक्यूल्स ज्यादा स्पीड से आ रहे हैं कंपेयर टू लेफ्ट साइड के मॉलिक्यूल्स, है ना?
समझ आ रही है आपको? हाँ. दिख रही है आपको? तो इस साइड के जो मॉलिक्यूल्स है, इस साइड के जो मॉलिक्यूल्स है इनकी स्पीड कितनी हो गई है? v प्लस u बाई रूट थ्री. एंड इधर की जो मॉलिक्यूल्स की स्पीड हो गई है दैट इज u बाई रूट थ्री माइनस ऑफ v हो जाएगी. ठीक है ना? ठीक है. हाँ. अब सोचो हमने तो प्लेट को ऑलरेडी फिक्स कर दिया क्योंकि हमारा फ्रेम वहीं पे है. तो अभी अगर देखोगे तो ये आएगा, टकरा के फिर वापस जाएगा. ठीक है? और उसका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन सेम होना चाहिए. तो अगर आया है वो v प्लस u बाई रूट थ्री से, तो जाएगा भी कितने से? कितने से? v प्लस u बाई रूट थ्री से जाएगा, नहीं जाएगा? इलास्टिक कोलिजन का कंडीशन. हाँ सर. ठीक है. सो चेंज इन मोमेंटम अगर मैं बात करूं, सी राइट मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, राइट साइड मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं. सर ये u बाय रूट थ्री के साथ प्लस भी और माइनस भी, ये और एक बार बताएंगे? रिलेटिव मोशन सर. कांस्टेंट किस मतलब किस रेफरेंस फ्रेम में हम बात कर रहे हैं, मतलब हम हैं किस रेफरेंस फ्रेम में? देखो इंसान खड़ा किया है, देखो प्लेट में. ठीक है, दो ही तो है, या तो गैस मॉलिक्यूल है या प्लेट है. यहां तो प्लेट पे ही खड़े होके बात कर रहे हैं. सो राइट साइड के मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो चेंज इन मोमेंटम जो एवरी कोलिजन में आएगी, चेंज इन मोमेंटम इज ट्वाइस ऑफ एम इनटू यू बाय रूट थ्री एन प्लस वी. दिस इज इन ईच कोलिजन. अब अगर इसके साथ मैं कोलिजन के रेट को मल्टीप्लाई कर दू, मतलब किस रेट से कोलिजन हो रही है, अगर ये फाइंड आउट कर ले, तो फिर उससे हम डेफिनेटली यू नो टोटल फोर्स जो लेफ्ट साइड से राइट साइड के मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं वो हम पता कर सकते हैं. है नहीं है? कर सकते हैं? हाँ सर. ठीक है. अब वो कैसे फाइंड आउट करें, वो कैसे फाइंड आउट करें? अगेन ये वापस से मतलब सिनेरियो बहुत ही सिंपल सा है. ऐसे सोचो ये प्लेट है, ये प्लेट है, और इधर से ये सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, और ये सारे गैस मॉलिक्यूल्स आपके इधर की तरफ अप्रोच कर रहे हैं. ये बिल्कुल लिक्विड के मोशन की तरह ही तो है ना? है या नहीं है? राइट. इनकी वेलोसिटी बेसिकली आपने v प्लस u बाई रूट थ्री दिखा रखी है. अगर प्लेट की एरिया को मान लेते हैं, हम लोग ने a ले रखा है, जैसे प्लेट का थोड़ा सा थ्री डायमेंशन व्यू ड्रॉ कर लेते हैं. तो इस प्लेट का एरिया को अगर ए मान लें, ठीक है, प्लेट की एरिया ए है, तो देखो जो लिक्विड जब फ्लो करती है ट्यूब के थ्रू, तो वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो जो होती है वो आपको पता होती है. वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो पता होती है? डीवी बाई डीटी कैसे निकालते हैं? एरिया इंटू वेलोसिटी करके. राइट. हाँ सर. तो वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ एयर मॉलिक्यूल जो है वो कितनी हो जाएगी? वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ एयर ऑन राइट, अगर इसको निकालना है तो क्या लिखेंगे? एरिया इंटू वी प्लस यू बाई रूट थ्री, ये लिखोगे ना? समझ आ रही है? अब इस वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो के साथ अगर मैं कंसेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई कर दू, राइट साइड का जो मॉलिक्यूल का कंसेंट्रेशन है उससे मल्टीप्लाई कर दू, तो मुझे ये मिल जाएगा ना कि किस रेट से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रेवल कर रहे हैं. राइट. सो इफ द कंसेंट्रेशन concentration of molecules is nv लिख लेते हैं, ठीक है, nv मतलब number of molecules per unit volume, then flow rate of molecules is, इसको dn by dt कह सकते हैं, so dn by dt will be equal to, इसको लिख लेंगे इन मॉलिक्यूलर डेंसिटी मल्टीप्लाइड विद ए इनटू वी प्लस यू बाय रूट थ्री हो जाएगी. अब अगर डीएन बाय डीटी आपको पता चल चुका है और चेंज ऑफ मोमेंटम ईच कोलिजन में भी आपको पता है, तो हर एक कोलिजन के लिए डेल्टा पी का चेंज आएगा, तो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मिल गया ना? मिल गया आपको? हाँ सर. एग्जर्टेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑन राइट,
on right is, इसको एफ आर लिख लेते हैं, एंड दैट विल बी डेल्टा पी इन ईच कोलिजन मल्टीप्लाइड विथ डी एन बाई डी, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमने फाइंड कर लिए. तो डेल्टा पी हमारा आया था ट्वाइस ऑफ एम इंटू यू बाई रूट थ्री प्लस वी, एंड दैट मल्टीप्लाइड विथ मॉलिक्यूलर डेंसिटी इंटू एरिया इंटू यू बाई रूट थ्री प्लस वी लिख लेंगे. तो अगर देखोगे आपके पास आ रही है टू एम इंटू एन वी इंटू ए इंटू यू बाई रूट थ्री प्लस वी, एंड इसका स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, सिमिलरली अगर लेफ्ट साइड से अगर यही कैलकुलेशन करते तो सेम चीज आता, बस आंसर लास्ट में क्या था, ये यू बाई रूट थ्री माइनस वी हो जाता, होता ही होता. सिमिलरली फोर्स एग्जर्टेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑन लेफ्ट, इसको एफ एल कह लेते हैं, एंड दैट विल बी टू एम एन वी इंटू ए इंटू यू बाई रूट थ्री माइनस वी का स्क्वायर हो जाएगा. अब सारी चीजें निकल जाएगी. अब उसने बोला है प्रेशर डिफरेंस बिटवीन लीडिंग एंड ट्रेलिंग फेसेस. प्रेशर डिफरेंस मतलब फोर्स का जो डिफरेंस आ रहा है उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दो. सो देयरफॉर डेल्टा पी अगर फाइंड आउट करेंगे तो डेल्टा पी विल बी एफ आर माइनस एफ एल इंटू एरिया कर लेंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइड बाई एरिया कर लेंगे. तो एफ आर माइनस एफ एल करो, सो बाई एरिया करोगे ए कट जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ एम इंटू एन वी आएगा, एंड दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस लेना है. तो दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस लोगे तो यू बाई रूट थ्री प्लस वी का स्क्वायर माइनस यू बाई रूट थ्री माइनस वी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कट जाएगा, एंड ये बचेगा ट्वाइस, फोर टाइम्स हो जाएगा, फोर टाइम्स ऑफ यू बाई रूट थ्री इंटू वी आएगा. ठीक है, सो ये हो गया आपके पास एट बाई रूट थ्री इंटू एम इंटू एन वी इंटू यू वी. अगर आप देखोगे तो डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू वी आ रही है, दिख रही है. तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया. सेकंड उसने बोला है कि रेजिस्टिव फोर्स एक्सपीरियंस बाय प्लेट इज प्रोपोर्शनल टू वी. रेजिस्टिव फोर्स है ये क्यों बोला है, क्योंकि देखो जो राइट साइड से जो प्रेशर मिल रहा है वो ज्यादा मिल रहा है ना कंपेयर टू लेफ्ट साइड. हाँ सर. तो इसमें जो रेजिस्टिव फोर्स जिसको उसने कह रखा है वो रेजिस्टिव फोर्स तो है ना, क्योंकि एक्सेस प्रेशर तो आपका राइट से लेफ्ट की तरफ ही है. तो ये जो रेजिस्टिव फोर्स कह रहे हैं जिसको, वो क्या है, एक्सेस प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया ही तो है ना, है ना, है. हाँ सर. हाँ सर. और डेल्टा पी तो आपका प्रोपोर्शनल टू यूवी आया था. अगर यूवी के प्रोपोर्शनल है मतलब वी के भी प्रोपोर्शनल है ना, मतलब जैसे, हाँ सर. हाँ. इसका मतलब जैसे अप्लाइड फोर्स जो कांस्टेंट फोर्स था उस कांस्टेंट फोर्स की वजह से प्लेट की स्पीड बढ़ती जाएगी, बट प्लेट की स्पीड अगर बढ़ेगी तो प्रेशर डिफरेंस भी बढ़ेगा, और प्रेशर डिफरेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टिव फोर्स भी बढ़ेगा, और एक पॉइंट ऑफ टाइम होगा जब दोनों फोर्स अगर बैलेंस हो गए तो उसके बाद फिर प्लेट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, होगी नहीं होगी. ये बिल्कुल वैसे ही जैसे विस्कस फोर्स में होता था, याद है आपको. हाँ सर. विस्कस फोर्स में भी तो यही होता था. हाँ सर. एक्स पाई ईटा आर वी, राइट, वो एकदम सेम चीज है, सेम चीज ही है. सो रेजिस्टिव फोर्स एक्सपीरियंस इज प्रोपोर्शनल टू वी, ये भी करेक्ट हो गया. The plate will continue to move with constant non-zero acceleration at all time. ये गलत हो गया. At a later time, the external force balances the resistive forces. ये correct हो गया. ठीक है ना? ठीक है? हाँ सर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस इज कन्फाइंड इन अ हॉरिजॉन्टल सिलेंडर बाय अ स्प्रिंग लोडेड पिस्टन एज शोन इन द फिगर. इनिशियली द गैस इज एट अ टेम्परेचर T1, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1. P1, V1, T1 ये दी हुई है, एंड द स्प्रिंग इज इन रिलैक्स स्टेट, मतलब कोई कंप्रेशन नहीं है इसमें, x इक्वल टू 0 लिख लेते हैं. फिर उसके बाद उसने क्या रखा है, द गैस इज देन हीटेड वेरी स्लोली to a temperature T2, okay, ये temperature को raise किया हमने, pressure P2 and volume V2, during this process the piston moves out by a distance x, oh, ठीक है, इसको x नहीं लिखे, इसको हटा देते हैं, तो यहाँ से यहाँ पे पहुँच गया piston कहीं,
और ये डिस्टेंस उसने दे रखा है, दिस डिस्टेंस इज x, ठीक है. नाउ द करेक्ट स्टेटमेंट्स इज और आर, मतलब आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने हैं यहाँ पे. पहले पिस्टन की फोर्स बैलेंसिंग कर लो, क्योंकि पिस्टन अगर यहाँ पे रुका हुआ है तो फोर्स बैलेंसिंग करें एक बार. तो इस तरफ का प्रेशर जो अब फाइनल प्रेशर जो होगा, फाइनल प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो उसने P2 दे रखा है, तो इधर से P2 into क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये फोर्स हो गया, और यहाँ से Kx का फोर्स आना चाहिए. तो अगर बैलेंसिंग होगी तो P2 into A को आपको Kx से मैच कराना है, ठीक है. ये आपका पहला कंडीशन होगा, दिस इज फोर्स बैलेंसिंग कंडीशन. अब उसने कह रखा है वॉल्यूम अगर V2 equal to 2V1 है और T2 equal to 3T1 है, तब एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग कितनी होगी आपको फाइंड करनी है, और ये एनर्जी स्टोर्ड आपको P1 V1 के टर्म्स में फाइंड करनी है. तो पहले ये फाइंड कर लेते हैं कि P2 इन टर्म्स ऑफ P1 कितना है, क्योंकि V2 इन टर्म्स ऑफ V1 है, T2 इन टर्म्स ऑफ T1 है, तो P2 इन टर्म्स ऑफ P1 भी निकाल सकते हैं हम, क्योंकि फाइनल आंसर देखो आपको P1 V1 के टर्म्स में ही निकालनी है. तो PV by T को कांस्टेंट कर रहे हैं, पहले पार्ट के लिए पहले कर रहे हैं, ठीक है. तो इसमें हो जाएगा P2 V2 divided by T2, that will be equal to P1 V1 by T1. V2 is 2V1, तो इसको 2 लिख लेते हैं, V1 को काट देते हैं, and T2 is 3T1, तो T1 को काट दिया, 3 लिख लिया, and यहां से अगर आप देखो तो P2 is coming out to be 3 by 2 times of P1 आ रही है, ठीक है. P2 is coming out to be 3 by 2 times of P1. और अब आपको यहाँ पे अगर देखोगे तो P2 into area Kx था, तो हम लिख सकते हैं 3 by 2 times of P1 into area will be Kx. And therefore, अब हम एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग अगर बात करें, स्प्रिंग की एनर्जी लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगी हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर. इसको लिख सकते हैं हम हाफ के एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं. के एक्स की वैल्यू को तो हम प्रेशर से इक्वेट कर सकते हैं पी टू इंटू ए से, तो ये हो जाएगा आपका हाफ ऑफ थ्री बाई टू टाइम्स ऑफ पी वन इंटू ए. एंड एक्स की वैल्यू को हम लिख लेते हैं, एक्स की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लिखें, तो x की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लिखोगे तो v2 माइनस v1 डिवाइड बाय एरिया कर सकते हैं क्या. देखो तो फाइनल वॉल्यूम v2 है, इनिशियल वॉल्यूम v1 है, तो चेंज ऑफ वॉल्यूम हो गया v2 माइनस v1, और इसको एरिया से डिवाइड कर दे तो x मिल जाएगा, है ना. तो इसको a लिख लेते हैं, सो दिस विल बी v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय एरिया कर लिया, ये एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड ये हो गई है 3/4 ऑफ p1, एंड v2 खुद ही v1 था, तो v2 माइनस v1 बिकम्स v1. So this becomes 3 by 4 times of P1 V1. दिख रही है आपको? हाँ सर. एक मिनट. ये कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? P2 is 3 by 2 P1. ठीक ही तो अच्छे हैं ना? P2 is 3 by 2 P1. P1 into area, Kx है, ठीक है, half Kx square, Kx का value is 3 by 2 P1 A, and X का value V2 minus V1 by A, ठीक है, 3 by 2 P1 A, ठीक है, ये match नहीं कर रहा, देखो, this is not matching, दिख रही है आपको, ठीक है, ठीक है, first option match नहीं कर रहा, अभी second option पे जाते हैं, if V2 equal to 2 V1, and T2 equal to 3 T1, change in internal energy is 3 P1 V1. गैस का नेचर क्या दिया है, देखो मोनोटॉमिक दिया हुआ है, मोनोटॉमिक गिवन है. तो अभी डेल्टा यू फाइंड आउट करें, ये सेकंड पार्ट के लिए कर रहे हैं. सेकंड पार्ट में v2 equal to 2v1 and t2 equal to 3t1 है, v2 equal to 2v1 and t2 equal to 3t1 है, ठीक है. अब डेल्टा यू फाइंड करनी है, डेल्टा यू गैस के लिए अगर फाइंड करें तो दैट विल बी n cv into delta t. सो n into cv is 3r by 2 into delta t 3t1 माइनस टी वन, टू टी वन हो जाएगा, सो दिस बिकम्स थ्री टाइम्स ऑफ एन आर इनटू टी वन हो जाएगा, एंड एन आर टी वन इज पी वन वी वन, सो दिस बिकम्स थ्री टाइम्स ऑफ पी वन वी वन. ऑप्शन देखें, थ्री टाइम्स ऑफ पी वन वी वन, ये आंसर मैच कर रही है. थर्ड ऑप्शन पे आए, इफ वी टू इक्वल टू थ्री वी वन एंड टी टू इक्वल टू फोर टी वन, देन वर्क डन बाई द गैस इज, वी टू इक्वल टू थ्री वी वन एंड टी टू इक्वल टू थ्री टी वन, ऑप्शन सी, V2 इक्वल टू, सॉरी फिर बोलिए, 3V1 T2 इक्वल टू 4T1, T2 इक्वल टू 4T1 है, ठीक है.
और हमसे पूछा क्या उन्होंने, वर्क डन बाय द गैस इज, गैस का वर्क फाइंड आउट करनी है। अब गैस कितना वर्क कर रहा है, गैस किसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है ये बताओ, किसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है गैस, गैस किसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है, स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट। तो जितना स्प्रिंग फोर्स के ऊपर वर्क किया गया होगा, जितना स्प्रिंग फोर्स के ऊपर वर्क किया गया होगा वही फाइनल आंसर होगा, है नहीं है, क्योंकि वर्क डन, अगर आप पिस्टन के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे तो पिस्टन के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे तो वर्क डन बाय गैस प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग शुड बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड अगर दोनों का वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है तो इसका मतलब है क्या कि बेसिकली काइनेटिक एनर्जी की कोई चेंज होनी नहीं है, तो फिर गैस का वर्क इक्वल टू स्प्रिंग का वर्क हो जाएगा, राइट, मैग्नीट्यूड में, ठीक है ना। हाँ सर। तो अभी उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पहले प्रेशर P2 निकाल लेते हैं। तो P2 into 3V1 divided by 4T1 is equal to P1 V1 by T1. So P2 becomes 4/3 of P1. So therefore, हमें क्या फाइंड करना, हाँ ठीक है अभी, सो के एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें तो पी टू इंटू एरिया था तो ये जाएगा 4/3 ऑफ P1 इंटू एरिया हो जाएगा, एंड देयरफॉर वर्क डन बाय गैस इज बेसिकली वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग एंड दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग लिखेंगे। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग मतलब हाफ ऑफ के इंटू एक्स स्क्वायर अगेन, सो ये हो जाएगा आपके लिए हाफ ऑफ के एक्स एंड इंटू एक्स लिखेंगे फिर से वही, सो ये हो जाएगी आपके पास हाफ ऑफ के एक्स, के एक्स का वैल्यू इज 4/3 ऑफ P1A एंड इंटू एक्स इज V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई ए, एंड V2 उसने दे रखा 3V1 है तो इसको लिखें तो हाफ ऑफ 4/3 ऑफ P1 एंड ये हो जाएगा आपके पास 2V1, सो 2 कैंसिल आउट हो गई, ये आ रही है 4/3 ऑफ P1V1 आ रही है, ये 7/3 P1V1 दे रखा है तो ये आंसर गलत हो जाएगा, दिस आंसर बिकम्स इनकरेक्ट। फिर ऑप्शन डी पे आए, इफ V2 इक्वल टू 3V1 एंड T2 इक्वल टू 4T1 देन हीट सप्लाइड टू द गैस इज 17/6 P1V1, हीट सप्लाइड निकालनी है तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू कर लेते हैं, डब्ल्यू तो आप निकाल ही चुके हो, अभी डेल्टा यू गैस का निकाल लें तो ये हो जाएगा एन सी वी डेल्टा टी, सो एन इंटू 3R/2 इंटू डेल्टा टी, टी टू माइनस टी वन, टी टू वॉज 4T1, सो 4T1 माइनस T1, सो दिस बिकम्स 9/2 इंटू NR/T1, सो दिस बिकम्स 9/2 P1V1 एंड देयरफॉर वर्क डन, सॉरी डेल्टा क्यू निकालेंगे, डेल्टा क्यू विल बी डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू एंड डेल्टा यू विल बी, डेल्टा यू हो गया आपके लिए 9/2 P1V1 एंड प्लस 4/3 टाइम्स ऑफ P1V1, सो 6 सेल्सियम हो गया एंड 9 + 8 इज 17, 17/6 P1V1 आंसर मैच कर रही है, करेक्ट हो गई, ठीक है, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में एक टेक्निकल मिस्टेक है, टेक्निकल मिस्टेक क्या है इस क्वेश्चन को फ्रेम करते वक्त, जैसे उसने देखो कि उसने ये कह रखा है कि स्प्रिंग इनिशियली रिलैक्स स्टेट में है, इनिशियली रिलैक्स स्टेट में है तो राइट साइड से कोई प्रेशर मिलेगा क्या उसको, राइट साइड से कोई प्रेशर मिल रहा है क्योंकि उसने तो देखो राइट साइड में देखो इवैक्यूएटेड दिखा रखा है, दिख रहा है, लेफ्ट साइड में देखो डॉट डॉट बनाया है बट राइट साइड में तो इवैक्यूएटेड है ना। हाँ सर। तो इसका मतलब है कि क्या पिस्टन इक्विलिब्रियम में रह सकता था? नहीं नहीं। तो अगर उसको छोड़ोगे तो सडनली लेफ्ट साइड का प्रेशर जो है वो अगर ज्यादा है तो पिस्टन को तो एक्सेलरेट करके लेके जाएगा ना, स्लो तो नहीं ले जा सकता, ले जा सकता है क्या? नहीं। हीट करो या ना करो, अगर नहीं भी हीट करोगे तो भी पिस्टन तो एक्सेलरेट करके भागेगा ना लेफ्ट से राइट की तरफ, होगा या नहीं होगा? ठीक है,
तो क्या ये कभी भी इक्विलिब्रियम पे आ पाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम पे आके रुक पाएगा, या फिर ये ऑसिलेटिंग सिस्टम हो जाएगा? बताओ अरे इतना कॉमन सेंस क्यों नहीं आप लोगों का चल रहा है? लेफ्ट साइड से जब गैस एक्सपैंड करेगा तो उसका प्रेशर घटता जाएगा और स्प्रिंग फोर्स बढ़ता जाएगा जैसे जैसे कंप्रेशन आएगा। एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब दोनों बैलेंस हो जाएंगे, बट वो बैलेंसिंग पॉइंट पे वेलोसिटी उसका मैक्सिमम हो चुका होगा, वो रुकेगा नहीं। उसके बाद वो मीन पोजिशन को क्रॉस करके फिर दूसरी तरफ जाएगा, जैसे दूसरी तरफ गया तो स्प्रिंग फोर्स बड़ा हो गया, स्प्रिंग फोर्स बड़ा हो गया तो कॉम्प्रेशन करके लेके जाएगा और फर्दर, एंड इसके बाद फिर वो एक पॉइंट पे क्या होगा, रुक भी जाएगा, रुक जाएगा तो उसके बाद फिर वापस से पुश करके दूसरी तरफ भेजेगा। ऑसिलेटिंग सिस्टम, ऑसिलेटिंग सिस्टम, वही तो बोल रहा हूँ, ऑसिलेटिंग सिस्टम बनेगा ये। समझ आ रही है आपको? जी सर। नहीं समझ आई। आप बताओ मुझे एक सिस्टम ऑसिलेट कैसे करता है, बताओ कैसे ऑसिलेट करता है, कोई भी एक सिस्टम को ऑसिलेट करता हुआ एक्सप्लेन करो। जैसे स्प्रिंग से एक ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया, क्यों ऑसिलेट करता है, कैसे ऑसिलेट करता है, ये एक्सप्लेन करो। छोड़ दो गैस, छोड़ दो, भगा दो गैस को, तुम बताओ कैसे ऑसिलेट करता है कोई चीज, बताओ। जैसे एक स्प्रिंग से एक ब्लॉक को लटका देते हैं, बता दो कैसे ये ऑसिलेट कर रहा है, कौन सा फोर्स कहां पे उसको ऑसिलेट करा रहा है, कैसे किधर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कैसे एक्सप्लेन कर दो एक बार, बताओ। बोलो सर, उसका जो जो उससे लटक रहा है उसका मास नीचे की ओर एक्ट कर रहा है और स्प्रिंग फोर्स ऊपर की ओर एक्ट कर रहा है, तो एक सर्टेन टाइम के बाद जो एक्सटेंशन आ रहा है वो kx है, वो k डेल्टा x है, ये उसको ऊपर की ओर ले जा रहा है, तो ऐसे वो ऑसिलेट कर रहा है। ऐसे एक्सप्लेन करोगे तो कुछ भी नहीं मार्क्स मिलेगा तुम्हें। जब हम उसको छोड़ रहे हैं लटकने के लिए तो mg है, kx नहीं है, नेचुरल लेंथ पे है वो, तो mg की वजह से नीचे भाग रहा है, बट kx जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा क्योंकि नीचे की तरफ भाग रहा है वो, बट जब तक mg बड़ा होगा तब तक नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा। एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब mg और kx बैलेंस हो जाएगा, बट बैलेंसिंग से वो रुकेगा नहीं वहां पे, क्योंकि ऑलरेडी उसने वेलोसिटी अटेन कर लिया है, तो और फर्दर नीचे जाएगा, और फर्दर नीचे जाएगा तो kx बड़ा हो जाएगा, kx बड़ा होगा तो डिसेलरेट कराएगा, डिसलरेट कराएगा तो स्लो डाउन होगा, स्लो डाउन करके मोमेंटरी रेस्ट पे आएगा, मोमेंटरी रेस्ट पे आएगा वो वहीं नहीं रहेगा क्योंकि kx अब बड़ा है mg से, तो ऊपर खींचेगा, ऊपर खींचेगा तो फिर एक्सेलरेट करके जाएगा, एक्सेलरेट करके जाएगा तो फिर से मीन पोजीशन तक पहुंचेगा, तो फिर से वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा, फिर से नहीं रुकेगा, फिर ऊपर की तरफ पहुंचेगा। अब जैसे ही ऊपर पहुंचेगा तो फिर उसके बाद फिर mg बड़ा हो गया, तो फिर से अब mg बड़ा हो गया तो डिसलरेट करेगा, डिसलरेट करते करते नेचुरल लेंथ पे पहुंच जाएगा। क्या आप लोगों की एक्सप्लेन करने की एबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग है, मुझे समझ नहीं आ रही है। किसी भी चीज को ऑसिलेट करने के लिए एक मीन पोजीशन होती है, और मीन पोजीशन के एक तरफ एक फोर्स होता है और दूसरी तरफ दूसरे फोर्स बड़ा होता है, ये नहीं समझ आती आपको? हाँ, रिस्टोरिंग फोर्स कैसे मिलेगा उसको, रिस्टोरिंग फोर्स कैसे मिलेगा? मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन के इधर जाएंगे तो इधर फोर्स आना चाहिए, मीन पोजीशन के इधर जाएंगे तो इधर फोर्स आना चाहिए, ये नहीं समझ आता? नहीं समझ आता, ये नहीं समझ आती आपको? आती है आपको। ये पिस्टन को मैंने बोला, ये पिस्टन को मैंने रिलीज किया नेचुरल लेंथ से, मतलब स्प्रिंग जब अपने नेचुरल लेंथ पे तब से रिलीज किया, तो रिलीज करने के बाद गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, ये आपको पता नहीं चल रहा है? एक्सपेंशन में प्रेशर ड्रॉप करेगा, ये नहीं समझ आ रहा है? एक्सपैंड करेगा तो प्रेशर ड्रॉप करेगा, ये नहीं समझ आ रहा है? बट ड्रॉप करेगा, बट क्या वो इमीडिएटली स्प्रिंग फोर्स से भी तुरंत छोटा हो जाएगा? तुरंत ही जैसे ही थोड़ा सा कॉम्प्रेशन हुआ स्प्रिंग में, तुरंत क्या वो छोटा हो गया स्प्रिंग फोर्स से? नहीं, नहीं नहीं। तो अभी स्प्रिंग दबता जा रहा है और उसके बाद फिर स्प्रिंग का कॉम्प्रेशन बढ़ रहा है और इसका प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। एक पॉइंट ऑफ टाइम तो आएगा ना जब ये दोनों सेम हो जाएगा, प्रेशर डिफरेंस का, प्रेशर का जो फोर्स है और स्प्रिंग फोर्स कभी ना कभी तो सेम होंगे, एक चीज घट रही है दूसरी बढ़ रही है, कभी ना कभी तो ये दोनों सेम लेवल पे आएंगे। बट क्या वहां पे रुक जाएगा ये पिस्टन, रुक जाएगा क्या वहां पे? वेलोसिटी है,
वेलोसिटी है तो नहीं रुकेगा, वो क्रॉस कर जाएगा, बट जैसे क्रॉस करेगा तो क्या फिर वो अब स्प्रिंग फोर्स नहीं बड़ा हो गया, और स्प्रिंग फोर्स बड़ा हो गया तो उसको डिसेलरेट नहीं कराएगा, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। अभी आपको ऑसिलेट कैसे क्या बताऊं, चलो एनीवेज ठीक है, यही इसका टेक्निकल मिस्टेक था इस क्वेश्चन में, बट एनीवेज वो मिस्टेक को मैंने इग्नोर करके फिर आंसर्स किए, क्वेश्चन में गलती नहीं ढूंढने की कोशिश कर रहे, बस उसका सोल्यूशन फाइंड कर रहे। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इस पे देखते हैं। इन द फिगर अ कंटेनर इज शोन टू हैव अ मूवेबल विदाउट फ्रिक्शन पिस्टन ऑन टॉप, द कंटेनर एंड द पिस्टन आर ऑल मेड ऑफ परफेक्टली इंसुलेटिंग मटेरियल अलाउिंग नो हीट ट्रांसफर बिटवीन आउटसाइड एंड इनसाइड द कंटेनर, ठीक है, कोई हीट एक्सचेंज कहीं पे भी नहीं हो रहा है। द कंटेनर इज डिवाइडेड इंटू टू कंपार्टमेंट्स बाय अ रिजिड पार्टीशन मेड ऑफ थर्मली कंडक्टिंग मटेरियल, पार्टीशन इज मेड अप ऑफ अ थर्मली कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है, दैट अलाउज स्लो ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है। द लोअर कंपार्टमेंट ऑफ द कंटेनर इज फिल्ड विथ 2 moles ऑफ आइडियल डायटोमिक गैस, इसमें 2 moles डायटोमिक है एट 700 Kelvin, एंड द अपर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विथ 2 moles ऑफ मोनोटोमिक गैस, ना डायटोमिक यहाँ पे नहीं, पहले ओहो उल्टा लिख दिया मैंने, लोअर कंपार्टमेंट में मोनोटोमिक, सॉरी लोअर कंपार्टमेंट में मोनोटोमिक है एंड अपर कंपार्टमेंट में डायटोमिक है एट 400। द हीट कैपेसिटीज पर मोल ऑफ एन आइडियल मोनोटोमिक गैस एंड डायटोमिक गैस, ठीक है वो दे रखा है तो ऑब्वियसली हमें पता भी होती है। अब आगे बढ़ते हैं, कंसिडर द पार्टीशन टू बी रिजिडली फिक्स्ड सो दैट इट डज नॉट मूव, पार्टीशन मूव नहीं करेगा, ठीक है पार्टीशन मूव नहीं करेगा बट पिस्टन तो मूव कर सकता है, कर सकता है ना, हाँ सर, पार्टीशन रिजिडली फिक्स्ड है बट पिस्टन मूवेबल अगेंस्ट एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है ना, राइट तो ऊपर वाले चेंबर के लिए देखोगे तो आइसोबेरिक एक्सपेंशन हो रही है ना, हो रही नहीं हो रही है ऊपर वाले चेंबर के लिए, जबकि लोअर वाला चेंबर जो है वो आइसोकोरिक प्रोसेस है उसका, राइट उसकी वॉल्यूम तो फिक्स है क्योंकि पार्टीशन आपने फिक्स कर रखा है। अब इसमें क्या होगा, जो बेसिकली जो हीट बेसिकली लोअर चेंबर जो है, लोअर चेंबर हीट देगा अपर चेंबर को और अपर चेंबर उसको अब्सॉर्ब करके ही बेसिकली एक्सपैंड करके वो जा रहा है, राइट है ना, हाँ। तो डेल्टा क्यू जो लोअर चेंबर ने अपर चेंबर को दिया, लोअर चेंबर के लिए वो कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक, राइट, एंड अपर चेंबर ने जिस प्रोसेस के थ्रू उसको लिया है वो प्रोसेस कौन सा है, आइसोबैरिक, राइट right? दोनों के लिए जो हीट ट्रांसफर का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो तो सेम होना चाहिए क्योंकि बाकी हीट तो और कहीं जा नहीं रही है, बाकी सारे वॉल्स इंसुलेटेड है या नहीं है, सो डेल्टा क्यू लोअर चेंबर के लिए ये दिस मैग्नीट्यूड में बात कर रहे हैं, ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू डेल्टा क्यू फॉर अपर चेंबर, ठीक है, लोअर चेंबर के लिए जब लिखोगे तो कौन सा प्रोसेस है वो, आइसोकोरिक, मतलब NCV डेल्टा T लिखना पड़ेगा आपको, तो 2 इनटू CV, CV फॉर यू नो मोनोटोमिक गैस एंड इनटू डेल्टा T मतलब 700 माइनस T लिख रहे हैं, ठीक है, एक्चुअली T माइनस 700 लिखना चाहिए था बट मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए कि कितना उसने ट्रांसफर किया, समझ आ रही है, हाँ सर, एंड दिस शुड बी इक्वल टू डेल्टा Q इन अपर चेंबर के लिए आइसोकोरिक आइसोबेरिक है तो इसके लिए लिखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स तो 2 ही है, इसमें लिखेंगे CP एंड इनटू डेल्टा T एंड डेल्टा T विल बी उसका टेम्परेचर तो बढ़ रहा है तो T माइनस ऑफ 400 लिखेंगे, CP और CV दोनों अलग अलग गैसेस के लिए चीज का थोड़ा ध्यान रखेंगे, CV जो हम ले रहे हैं मोनोटोमिक के लिए ले रहे हैं तो ये 3R/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 700 माइनस T एंड दैट विल बी इक्वल टू CP डायटोमिक के लिए लेना है तो डायटोमिक के लिए 7R/2 हो जाएगी एंड इनटू T माइनस ऑफ 400 आ जाएगा,
आर बाई टू तो दोनों में कॉमन आउट हो जाएगा, ये हो जाएगी 2100 माइनस 3t इज इक्वल टू 7t एंड माइनस ऑफ 2800, तो t आ गई आपके पास 490 केल्विन आ गई, तो 490 केल्विन इज द राइट आंसर। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। नाउ कंसीडर द पार्टीशन टू बी फ्री टू मूव विदाउट फ्रिक्शन so that pressure of the gases in both the compartment is same. Okay, pressure in both the compartment is same and partition free to move भी है। तो क्या अब upper piston को देखो, upper वाले chamber देखो, upper वाले chamber के लिए तो कौन सा process है? Isobaric है ही नहीं है, इसमें कोई doubt नहीं है क्योंकि वो atmosphere के वजह से expand कर रहा है। हाँ sir। और उसने कह रखा है कि अंदर का pressure मतलब दोनों compartment का pressure भी same है, तो अगर ऊपर वाला का प्रेशर कांस्टेंट है तो नीचे वाले का भी प्रेशर कांस्टेंट होगा, हुआ नहीं हुआ? तो इससे क्या पता चला आपको, इस डेटा से आपको ये पता चल रहा है एज अपर कंपार्टमेंट्स प्रेशर इज कांस्टेंट, इससे ये कंक्लूजन निकला लोअर इज आल्सो कांस्टेंट। तो इस बार जो प्रोसेस हुआ दोनों के लिए आइसोबेरिक हुआ ना, इस बार आइसोकोरिक है क्या किसी के लिए? नहीं है ना? नहीं सर, दोनों के लिए प्रेशर कांस्टेंट, सो आइसोबेरिक फॉर बोथ हो गया एंड देयरफॉर अब लिखेंगे तो टू टाइम्स ऑफ सीपी इनटू ये सीपी, एक मिनट के सीपी फॉर मोनोटॉमिक गैस। ठीक है, अब मोनो लिख रहे हैं यहाँ पे क्योंकि दोनों तरफ का सीपी नहीं तो काटने का मन करेगा आपको, वो गलत हो जाएगा। 700 minus t is equal to 2 times of cp for diatomic into t minus of 400, that's it, ye 2 cancel out ho gaya, cp for monatomic is 5r by 2, this is 700 minus t and this will be 7r by 2, this is t minus of 400, r by 2 cancels out, yahan se 75 to 35, so 3500 minus 5t. Sorry, is equal to 70 minus of 7 4 28 2800, so yahan se aa aapke paas 12t is equal to 6300 aa rahi hai, so t ki value ho gayi aapke paas 6300 divided by 12, 525. अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो हमें टेम्परेचर चेंज मिल गया, फाइनल टेम्परेचर चेंज मिल गया, और हमें निकालना क्या अभी, वर्क डन बाई गैसेस अंटिल द टाइम दे अचीव इक्विलिब्रियम। तो अब दोनों के लिए आइसोबेरिक प्रोसेस है, आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए वर्क कैसे निकालते हैं, एनआर डेल्टा टी करके निकाल सकते हैं, है ना? हाँ सर। राइट, पी डेल्टा वी या फिर एनआर डेल्टा टी दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। तो दोनों का टेम्परेचर चेंज तो आपको मिल ही चुका है, हमें टोटल वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन बाय गैसेस। ठीक है, तो मतलब दोनों का सम ले लेंगे, सो टोटल वर्क जो है दैट विल बी वर्क डन इन लोअर चेंबर एंड प्लस वर्क डन इन अपर चेंबर एंड दैट विल बी 2 times of n r मतलब 2 into r into delta t, delta t में delta t ही लेंगे, मतलब final minus initial ही करेंगे, तो final temperature is 525 minus of initial temperature was 700 and plus 2 times of r into final temperature is 525 and initial temperature was 400, so this becomes 2r को common out कर ले, यहाँ पे आ रही है आपके पास 175 with a negative sign एंड प्लस 125 आ रही है, तो यार ये माइनस ऑफ 100 आ रही है, माइनस 100 आ इस जगह से। ठीक है, समझ आइए? हाँ सर। ठीक